हेलो दोस्तों, तो चलिए आज हम लोग बात करेंगे इस लेक्चर में देखेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में। याद रखिए, अर्थव्यवस्था आपका एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको करंट अफेयर से जुड़ा रहना पड़ेगा, क्योंकि इसमें बदलाव होता रहता है बड़े स्तर पर। ठीक है, तो जो आपका बदलाव नहीं होने वाली चीज़ जो स्थिर है उनके बारे में हम लोग इसमें इस लेक्चर में देख लेंगे कंप्लीट। और जो करंट अफेयर्स रहता है वो हम भी बताते रहते हैं, जुड़े रहिए इससे हमसे। ठीक, तो उसमें जानते रहिए या कहीं से भी आप लोग करंट अफेयर्स से अपडेट बने रहिए। तो इसमें हम लोग बात करेंगे राष्ट्रीय आय के बारे में, आर्थिक आयोजन, नई आर्थिक नीति के बारे में, भारतीय वित्त व्यवस्था के बारे में, कृषि, उद्योग, व्यापार, आर्थिक शब्दावली और विविध तथ्य जो अर्थव्यवस्था से संबंधित उन्हें देखेंगे। ठीक है, याद रखिए, फिर से बोल देता हूँ, करंट अफेयर से बड़े स्तर पर जुड़े रहिए अगर आपको अर्थव्यवस्था में अपडेटेड रहना है तो, क्योंकि इसमें बड़े स्तर पर बदलाव होता रहता है हर समय। नमस्कार दोस्तों, तो जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोग बात कर रहे हैं लूसेंट सामान्य ज्ञान के बारे में। तो इसमें हम लोग क्या क्या देख चुके हैं अभी तक, ये सब देख लेते हैं। हम लोग इतिहास विषय सूची में बात कर चुके थे, इतिहास को देख चुके हैं हम लोग। इतिहास में प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत को देख चुके। फिर विश्व का इतिहास भी देख चुके हम लोग, भूगोल देख चुके, विश्व का भूगोल और भारत का भूगोल देख चुके हैं हम लोग। ठीक, और भारत का संविधान भी देख चुके हम लोग। अब बात करते हैं हम लोग, करना है हमें भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में। अब हम बात करने वाले हैं इस लेक्चर में भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में। ठीक है, भारतीय अर्थव्यवस्था, तो आपको जैसा कि बताया, प्रस्तुत खंड में भारत की अर्थव्यवस्था को 6 भागों में संक्षिप्त एवं सरल रूप में प्रस्तुत किया गया है। इसके शीर्षक की बात करते हैं, प्रस्तुत भागों के शीर्षक क्या क्या है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं, राष्ट्रीय आय, भारत में नियोजन, भारत की नई आर्थिक नीति, भारत की वित्त व्यवस्था, भारत में कृषि उद्योग और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। तो अब बात करते हैं सबसे पहले भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं। भारतीय अर्थव्यवस्था प्राथमिक विकासशील अर्थव्यवस्था है। यद्यपि आज भी भारतीय अर्थव्यवस्था पिछड़ी है, लेकिन अब यह गरीबी के दुष्चक्र से बाहर है। यहाँ कुल कार्यशील जनसंख्या का लगभग 52% भाग आज भी कृषि में लगा हुआ है, जबकि सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का योगदान 14.6% है। 14.6% है। कृषि क्षेत्र की उपरोक्त स्थिति यद्यपि अब भी संतोषजनक नहीं है, फिर भी आजादी के बाद इसमें पर्याप्त सुधार हुआ है। स्वतंत्रता पश्चात देश की आर्थिक आधारभूत संरचना भी अति सशक्त तथा मजबूत हुई है। मात्रात्मक दृष्टि से भी देश की अर्थव्यवस्था में काफी सुधार हुआ है। भारत की अर्थव्यवस्था के विभिन्न पहलुओं की विशेषताओं को निम्न बिंदुओं में अलग अलग प्रस्तुत किया जा रहा है। भारत अर्थव्यवस्था ग्रामीण तथा कृषि पर आधारित अर्थव्यवस्था है। स्वतंत्रता के 70 साल बाद, 60 साल दिए गए लेकिन 70 साल बाद 52% कृषि क्षेत्र में लगी हुई है। कृषि क्षेत्र में लगी हुई है तथा राष्ट्रीय आय में इसका योगदान 14.6% है। इसके आधार पर कहा जाता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था अभी भी कृषि प्रधान ही है। भारतीय अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है। मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है निजी क्षेत्र तथा सार्वजनिक क्षेत्र का सहअस्तित्व। भारत ने अपने स्वतंत्रोत्तर विकास काल में मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया ताकि इसका समाजवादी लक्ष्य पूरा हो सके। अपने संपूर्ण योजना काल में सरकार ने लगभग 45% पूंजी सार्वजनिक क्षेत्रों में निवेश किया तथा आर्थिक नियोजन के माध्यम से इसे गति दी जाती रही, परंतु उत्पादन के स्रोतों और साधनों पर आज भी निजी क्षेत्र का ही वर्चस्व है। उदारीकरण के पश्चात भारतीय अर्थव्यवस्था पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की ओर अग्रसर है।
अब बात करते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था अल्पविकसित अर्थव्यवस्था है। भारतीय अर्थव्यवस्था के अल्पविकसित होने की पुष्टि निम्न तथ्यों से की जाती है। भारत की राष्ट्रीय आय काफी कम है, ठीक है, तथा प्रति व्यक्ति आय स्तर बहुत नीचा है। तो विश्व विकास रिपोर्ट 2010 के अनुसार है, तो ये आंकड़े पुराने हुए, अब कोई मतलब नहीं है। आजादी के 6 दशक बाद भी भारत देश में निर्धनता रेखा से नीचे जनसंख्या बहुत ज्यादा है। इसलिए भी विश्व बैंक की विश्व विकास रिपोर्ट शीर्षक रिपोर्ट के अनुसार विश्व में निर्धन लोगों की संख्या सर्वाधिक भारत में है, ठीक है। यही बात कर लेते हम लोग। बेरोजगारी का स्तर काफी ऊंचा है भारत में। पूंजी व संसाधन में न्यूनतम है। जनसंख्या में विस्फोट वृद्धि हो रही है। निष्कर्ष तक कहा जाता है, कहा जा सकता है भारतीय अर्थव्यवस्था अभी भी अल्प विकसित है तथा यह विकास पर विकासमान है। बात कर लेते हैं यही, ये भी पुराने आप हैं, कोई मतलब नहीं है ना। अब बात करते हैं राष्ट्रीय आय के बारे में। करंट में वाली चल जाएगी जो नए आंकड़े आए हुए हैं, तो पुराने आंकड़ों का कोई मतलब भी नहीं है, इसलिए छोड़ देते हैं हम लोग। भारत की राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय की गणना का प्रथम प्रयास दादाभाई नौरोजी ने किया था 1867 से 68 में। तो याद रखिए, भारत की राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय की गणना का प्रथम प्रयास दादाभाई नौरोजी ने 1867-68 में किया। नौरोजी के आकलन के अनुसार वर्ष 1886 में प्रति व्यक्ति आय 20 रुपए थी। नौरोजी के आकलन के अनुसार वर्ष 1868 में प्रति व्यक्ति आय कितनी थी? 20 रुपए। एक सिफारिश ने वर्ष 1911 में प्रति व्यक्ति आय 49 रुपए बताया। स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व इस दिशा में प्रथम आधिकारिक प्रयास वाणिज्य मंत्रालय द्वारा किया गया। राष्ट्रीय आय की गणना के लिए उत्पाद पद्धति आय पद्धति दोनों का सहारा लिया जाता है। उत्पाद पद्धति, इसके तहत माल और सेवाओं के शुद्ध मूल्य वृद्धि का आकलन किया जाता है। इसका प्रयोग कृषि वानिकी पशुपालन खनन उद्योग क्षेत्र में किया जाता है। इसको मूल्य वर्धित पद्धति के नाम से भी जाना जाता है। आय पद्धति की बात करें तो इसके अंतर्गत उत्पादन के घटकों के लिए किए गए भुगतानों का योग किया जाता है। इसका प्रयोग परिवहन प्रशासन व्यापार जैसी सेवा प्रदाता की जीडीपी को आकलन करने के लिए कहते हैं। भारत में सांख्यिकी विभाग के अंतर्गत केंद्रीय सांख्यिकी संगठन राष्ट्रीय आय के आकलन के लिए उत्तरदायी है। इस कार्य में राष्ट्रीय वृद्धि दर सर्वेक्षण संगठन केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की सहायता करता है। अब बात करते हैं राष्ट्रीय आय की। राष्ट्रीय आय में से तात्पर्य अर्थव्यवस्था द्वारा पूरे वर्ष के दौरान उत्पादित अंतिम वस्तुओं व सेवाओं के शुद्ध मूल्य के योग से होता है। इसमें विदेशों से अर्जित शुद्ध आय भी शामिल होती है। राष्ट्रीय आय दिए हुए समय में किसी अर्थव्यवस्था की उत्पादक शक्ति को मापती है। भारत में राष्ट्रीय आय वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च है। अब बात करते हैं राष्ट्रीय आय की अवधारणा है। सकल राष्ट्रीय उत्पाद NGNP, सकल राष्ट्रीय उत्पाद GNP किसे कहते हैं? तो इसे देखते हैं, किसी देश में के नागरिकों द्वारा दी हुई समय अवधि में सामान्यतः एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित कुल अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं का मूल्य मूल सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहलाती है। इसमें देशवासियों द्वारा देश के बाहर उत्पादित वस्तुओं को भी सम्मिलित किया जाता है। GNP को ज्ञात करने के लिए देश के नागरिकों को विदेशों से प्राप्त हुई आय को सकल घरेलू उत्पाद में जोड़ देना चाहिए। इसी प्रकार देश के अंदर विदेशियों द्वारा उत्पादित आय को सकल घरेलू उत्पाद में से घटा दिया जाना चाहिए। इसे निम्न समीकरण द्वारा दर्शाया जा सकता है। GNP सकल राष्ट्रीय उत्पाद बराबर GDP प्लस एक्स माइनस एम। तो एक्स क्या है? ये एक्स है विदेशों से प्राप्त आय
और एम है विदेशियों की आय जो भारत में होती है, एक्स देशवासियों द्वारा विदेशों में अर्जित आय और एम विदेशियों द्वारा देश में अर्जित आय। उपयुक्त समीकरण से यदि एक्स बराबर एम तो जीएनपी बराबर जीडीपी होगा, क्योंकि देशवासियों द्वारा विदेशों में अर्जित आय बराबर हो विदेशियों द्वारा देश में अर्जित आय तो बराबर हो जाएगी, जीएनपी बराबर जीडीपी हो जाएगी। इसी प्रकार बंद अर्थव्यवस्था के अंतर्गत एक्स माइनस एम बराबर जीरो तो वही तो वहां भी जीएनपी बराबर जीडीपी होगा। सकल घरेलू उत्पाद अथवा जीडीपी देश की सीमा के अंदर किसी दी हुई समयावधि में उत्पादित अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं का कुल मौद्रिक मूल्य होती है। जीएनपी में जीडीपी का केवल वही भाग सम्मिलित किया जाता है जो देश के नागरिकों की उत्पादक सेवाओं का परिणाम है। भारत के सकल घरेलू उत्पाद में सबसे अधिक योगदान सेवा क्षेत्र का है, दूसरे स्थान पर उद्योग और तीसरे स्थान पर है कृषि का। भारत के सकल घरेलू उत्पाद में सर्वाधिक योगदान महाराष्ट्र का है। शुद्ध राष्ट्रीय आय एनपीपी की बात करें तो शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद ज्ञात करने के लिए जीएनपी में से पूंजी स्टॉक की खपत मूल्य ह्रास को घटाना होता है। एनपीपी एनएनपी बराबर जीएनपी माइनस मूल्य ह्रास। एनपीपी की गणना दो प्रकार से की जाती है, प्रथम वस्तुओं तथा सेवाओं की बाजार कीमतों पर तथा द्वितीय कुल उत्पादन की उत्पादन साधन लागत के रूप में। जब एनएनपी का मूल्यांकन अथवा माप साधन लागत पर किया जाता है तो उसे राष्ट्रीय आय के नाम से जाना जाता है। इसे ज्ञात करने के लिए बाजार मूल्य पर आंकलित शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद में से शुद्ध अप्रत्यक्ष करों को घटाना होता है। इस प्रकार से ज्ञात मूल्य ही राष्ट्रीय आय कहलाती है। राष्ट्रीय आय बाजार कीमत पर एनएनपी माइनस अप्रत्यक्ष कर प्लस सब्सिडी जोड़ देते हैं। भारत में राष्ट्रीय आय के अनुमान के आंकड़े केंद्रीय सांख्यिकी संगठन जारी करता है। सीएसओ की स्थापना कब हुई? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की तो 1951 में। व्यक्तिगत आय की बात करें तो पर्सनल इनकम तो ये देशवासियों को वास्तव में प्राप्त होने वाली आय जिसे निम्न सूत्र से ज्ञात करते हैं। व्यक्तिगत आय राष्ट्रीय आय माइनस निगमों का आवितरित लाभांश माइनस निगम कर माइनस सामाजिक सुरक्षा योजना के लिए किए गए भुगतान प्लस सरकारी हस्तांतरण भुगतान प्लस व्यापारिक हस्तांतरण भुगतान। नोट, किसी भी देश की आर्थिक विकास दर का सर्वश्रेष्ठ सूचक प्रति व्यक्ति आय होती है। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग आर्थिक नियोजन आयोजन के बारे में। आर्थिक आयोजन वह क्रिया प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत पूर्व निर्धारित उद्देश्यों की पूर्ति हेतु सीमित प्राकृतिक संसाधनों का कुशलतम उपयोग किया जाता है। भारत में आर्थिक आयोजन के निर्धारित उद्देश्य हैं आर्थिक समृद्धि, आर्थिक व सामाजिक असमानता को दूर करना, गरीबी का निवारण तथा रोजगार के अवसर में वृद्धि। भारत में आर्थिक आयोजन संबंधी प्रस्ताव सर्वप्रथम 1934 में विश्वविद्यालय की पुस्तक फिनलैंड इकोनॉमी फॉर इंडिया। तो याद रखिए दो बातें हैं, भारत में आर्थिक आयोजन संबंधी प्रस्ताव सर्वप्रथम 1934 में किसने रखा? विश्वविद्यालय सूर्या, और इनकी किताब कौन सी थी? फिनलैंड इकोनॉमी फॉर इंडिया। तत्पश्चात सन 1938 में अखिल भारतीय कांग्रेस ने ऐसी मांग रख की थी कि सन 1944 में कुछ उद्योगपति बंबई योजना के तहत फिर प्रयास किए। तो बंबई योजना आर्थिक आयोजन से संबंधित था, 1944 में आया। स्वतंत्रता पश्चात 1947 में पंडित नेहरू की अध्यक्षता में आर्थिक नियोजन समिति गठित हुई। बाद में इसी समिति की सिफारिश पर 15 मार्च 1950 में योजना आयोग का गठन किया गया। यह एक गैर संवैधानिक तथा परामर्शदात्री निकाय रूप में थी। भारत के प्रधानमंत्री इसके पदेन अध्यक्ष होते थे। भारत की पहली पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1951 से प्रारंभ हुई। तो याद रखिए 1 जनवरी 2015 से
योजना आयोग की जगह नीति आयोग आ चुका है, ठीक है। तो योजना आयोग को खत्म कर दिया गया। योजना आयोग की कब स्थापना हुई? 15 मार्च 1950 को। भारत में कुल 12 पंचवर्षीय योजनाएं रही हैं, ठीक है। तो पंचवर्षीय योजनाओं देखते हैं, वो लक्ष्य और उपलब्धियां उनकी। तो पहली रही है 1951 से 1956 तक। इसमें वार्षिक वृद्धि दर थी कितनी? 1.2। उपलब्ध कितनी हुई? 3.6%। दूसरी थी 56 से 61 तक। इसमें 2.5% वार्षिक वृद्धि रखी गई थी, 4.1% उपलब्ध हुई। तीसरी 1961 से 1966 तक, ये 5.6% रखी गई थी और 2.5% प्राप्त हुई थी। चौथी 1969 से 1974 तक 5.5% रखी गई थी और 3.3% प्राप्त हुई थी। पांचवी 1974 से 1978 तक 4.4% रखी गई थी और 5% प्राप्त हुई। छठी 80 से 85 तक 5.2% और 5.4% प्राप्त हुई थी। सातवीं 1985 से 1990 5.4 रखी गई थी और 5.8 प्राप्त हुई थी। आठवीं थी हमारी 1952 से 1997 तक 5.6 रखी गई थी और 6.7 इसमें प्राप्त हुई थी। नौवीं पंचवर्षीय 1997 से 2000 तक 2002 तक 6.5% रखी गई थी और 5.5% प्राप्त हुई। दसवीं हुई थी 2002 से 2007 8%, बाद में 7% रख गई रखी थी और 7.8% प्राप्त हुई थी। ग्यारहवीं पंचवर्षीय 11 रखी 11वीं, चलिए 2007 से 2012 तक, इसमें 9% रखी गई थी, ठीक है, और प्राप्त कितनी हुई थी? 7.9%। याद रखिए 9% रखी गई थी और वास्तविक में उपलब्ध कितनी हुई थी? 7.9%, ठीक है। और 12वीं की बता दें 2012 से 2017 तक चली और 2017 के बाद बंद हुई। तो 2017 तक जो चली 12वीं, तो इसमें वास्तविक रखी गई थी 8%, ठीक। इसके अतिरिक्त सात वार्षिक योजनाएं भी बनी। ये वार्षिक योजनाएं थी 1966 से 1967, 1967 से 1968, 1968 से 1969, 1978 से 1979, 1979 से 1980, 1990 से 1991, 1991 से 1992 में बनी, ठीक है। और 1978 से 1983 ईस्वी के लिए जनता सरकार ने अनवरत योजना चलाई, परंतु 1980 में कांग्रेस सरकार ने इसे रोककर 1980 में छठी पंचवर्षीय योजना लागू की थी। अब बात करते हैं प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 के बीच। इस योजना का मुख्य उद्देश्य अर्थव्यवस्था के संतुलन विकास की प्रक्रिया आरंभ करना था। इस योजना में कृषि को उच्च प्राथमिकता दी गई। प्रथम पंचवर्षीय योजना सफल योजना रही तथा इसका लक्ष्य से आगे 3.6% विकास दर हासिल की गई थी। इस योजना के द्वारा राष्ट्रीय आय 18% तथा प्रति व्यक्ति आय 11% में कुल वृद्धि हुई। इस योजना काल में सार्वजनिक उद्योग के विकास की उपेक्षा की गई तथा इस मद में मात्र 6% खर्च की गई। द्वितीय पंचवर्षीय योजना की बात करें, द्वितीय पंचवर्षीय योजना तो ये 56 से 61 तक चली। यह योजना पीसी महाल नोविस मॉडल पर आधारित थी। पहली किस पर आधारित थी? प्रथम पंचवर्षीय योजना आधारित थी हेरोड डोमर मॉडल पर, हेरोड डोमर मॉडल पर आधारित थी। दूसरी थी पीसी महाल नोविस मॉडल पर आधारित। इसका मुख्य उद्देश्य था समाजवादी समाज की स्थापना करना। इस योजना में देश के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए 5 वर्षों में राष्ट्रीय आय में 25% की वृद्धि करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। इसमें भारी उद्योग खनिजों को उच्च प्राथमिकता दी गई तथा इस मद में सार्वजनिक क्षेत्र की व्यय की 24% राशि व्यय की गई। द्वितीय प्राथमिकता यातायात व संचार को दिया गया था, जिस पर 28% राशि व्यय की गई। अनेक महत्वपूर्ण उद्योग लगे इसी में। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में दुर्गापुर, भिलाई,
रावकीरा इस्पात कारखाने इसी योजना के दौरान लगाए गए थे। फिर तृतीय पंचवर्षीय योजना, ये कब से कब तक चली? 1961 से 66 तक। तो याद रखिए, इस योजना का उद्देश्य अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना तथा स्वतः स्फूर्त अवस्था में पहुंचाना था। यह योजना अपने लक्ष्य से 5.6% की वृद्धि दर को प्राप्त करने में सब असफल रही तथा 2.5% प्रतिवर्ष की वृद्धि दर की ही प्राप्त कर सकी थी। इस योजना में कृषि तथा उद्योग दोनों को प्राथमिकता दी गई थी। इस योजना की असफलता का मुख्य कारण भारत चीन युद्ध, भारत पाक युद्ध और तथा अभूतपूर्व शोका। तो याद रखिए, तृतीय पंचवर्षीय योजना में भारत चीन के साथ युद्ध भी हुआ था, भारत पाक का युद्ध हुआ था और सूखा भी पड़ी थी। फिर योजना आयोग, योजना अवकाश, तो ये 1966 से 67 और 67 से 69, 1966 से 67, 68 से 69 दो बार। इस अवधि में 3 बार से योजनाएं तैयार की गई। इस अवकाश अवधि में कृषि तथा संबद्ध क्षेत्र और उद्योग क्षेत्रों को समान प्राथमिकता दी गई। योजना अवकाश का प्रमुख कारण भारत पाक संघर्ष तथा सूखा के कारण संसाधनों की कमी और मूल्य स्तर में वृद्धि। फिर आई चतुर्थ पंचवर्षीय योजना 69 से 74 तक। इस योजना का मुख्य उद्देश्य था स्थायित्व के साथ विकास तथा आर्थिक आत्मनिर्भरता की प्राप्ति। इस योजना में समाजवादी समाज की स्थापना को और विशेष रूप से लक्षित किया गया। यह योजना अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में असफल रही तथा 5.5% की वृद्धि दर लक्ष्य के विरुद्ध मात्र 3.3% वार्षिक वृद्धि दर प्राप्त की जा सकी। इससे योजना की विफलता का कारण मौसम की प्रतिकूलता तथा बांग्लादेशी शरणार्थियों का आगमन था। फिर आई पांचवी पंचवर्षीय योजना, ये 1974 से 78 तक। इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी उन्मूलन था तथा आत्मनिर्भरता की प्राप्ति थी। योजना में सर्वाधिक स्थायित्व लाने को उच्च प्राथमिकता दी गई। इस योजना में 20 सूत्री कार्यक्रम 1975 की शुरुआत हुई। योजना के दौरान विकास लक्ष्य प्रारंभ में 5.5% वार्षिक वृद्धि रखी गई थी, परंतु बाद में इसे संशोधित कर 4.4% वार्षिक कर दी गई। इस योजना में पहली बार गरीबी तथा बेरोजगारी पर ध्यान दिया गया। योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता कृषि को दी गई, तत्पश्चात उद्योग व खनिजों को क्षेत्र को दी गई। यह योजना सामान्यतः सफल रही, परंतु गरीबी तथा बेरोजगारी में विशेष कमी नहीं हो सकी। जनता पार्टी शासन द्वारा इस योजना को 1978 में ही समाप्त करने का निर्णय लिया गया। फिर छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 85 तक चली। इस योजना का प्रारंभ रोलिंग प्लान 1978 से 83 जो जनता सरकार द्वारा बनाई गई थी को समाप्त करने की गई। इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी उन्मूलन और रोजगार में वृद्धि था। पहली बार गरीबी उन्मूलन पर विशेष जोर दिया गया। योजना में विकास लक्ष्य 5.2% वार्षिक वृद्धि दर रखा गया तथा सफलतापूर्वक 5.4% वार्षिक वृद्धि दर प्राप्त की गई। इस योजना के दौरान समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम जैसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम शुरू किए गए। फिर सातवीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 90। उद्देश्य क्या था इसका? समग्र रूप से उत्पादकता को बढ़ाना तथा रोजगार के अधिक अवसर जुटाना, साम एवं न्याय पर आधारित सामाजिक प्रणाली की स्थापना, सामाजिक एवं आर्थिक असमानताओं को प्रभावी रूप से कम करना तथा देशी तकनीकी विकास के लिए सुदृढ़ आधार तैयार करना। योजना में सकल घरेलू उत्पाद में 5% वार्षिक वृद्धि दर का लक्ष्य रखा गया था, जबकि वास्तविक वृद्धि दर हुई 5.8 वार्षिक रही। अतः यह सफल योजना थी। योजना में प्रति व्यक्ति आय 3.6% की दर से वृद्धि हुई प्रतिवर्ष। इस योजना में योजना फ्री वे की दृष्टि से पहली बार निजी क्षेत्र को सार्वजनिक क्षेत्र की तुलना में वरीयता दी गई। इस योजना में जवाहर रोजगार योजना जैसी महत्वपूर्ण रोजगार परक कार्यक्रम प्रारंभ किए गए। आगे बात करते हैं, आठवीं पंचवर्षीय योजना
तो ये 1992 से 97 तक चली। इस योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता मानव संसाधन का विकास को दी गई, अर्थात रोजगार, शिक्षा, जन स्वास्थ्य को दिया गया। इसके अतिरिक्त आधारभूत ढांचे का सशक्तिकरण तथा शताब्दी के अंत तक लगभग पूर्ण रोजगार की प्राप्ति को मुख्य लक्ष्य बनाया गया। यह योजना सफल योजना रही। 5.6% वार्षिक वृद्धि दर के लक्ष्य से ज्यादा 6.7% वार्षिक वृद्धि दर प्राप्त की गई इसके तहत। इस काल में प्रधानमंत्री रोजगार योजना 1993 शुरुआत हुई इसकी। फिर है 9वीं पंचवर्षीय योजना। कौन सी है? 9वीं पंचवर्षीय योजना। 9वीं पंचवर्षीय योजना, तो 9वीं पंचवर्षीय योजना चली 1997 से 2002 तक। 9वीं पंचवर्षीय योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता न्याय वितरण एवं समानता के साथ विकास को दिया गया। इस योजना की अवधि में सकल घरेलू उत्पाद की वार्षिक वृद्धि दर का लक्ष्य 6.5% रखा गया, जबकि उपलब्धि मात्र 5.5% वार्षिक वृद्धि की रही। इस प्रकार यह योजना असफल रही। 9वीं योजना असफलता के पीछे अंतरराष्ट्रीय मंदी जैसे कारक को जिम्मेदार माना गया। क्षेत्रीय संतुलन जैसे मुद्दे को भी इस योजना में विशेष स्थान मिला। फिर 9वीं पंचवर्षीय योजना में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए प्राथमिकता क्रम में निम्नलिखित क्षेत्रों को चुना गया। भुगतान संतुलन सुनिश्चित करना, विदेशी ऋण भार को न केवल बढ़ने से रोकना उसमें कमी भी लाना, खाद्यान्नों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना, प्रौद्योगिकीय आत्मनिर्भरता प्राप्त करना, जड़ी बूटियों और औषधियों मूल के पेड़ पौधों से प्राकृतिक संसाधनों का समुचित उपयोग करना। 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007 के बीच रही। 10वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य देश में गरीबी बेरोजगारी समाप्त करना, अगले 10 वर्षों के में प्रति व्यक्ति आय दुगनी करना। योजना अवधि में सकल घरेलू उत्पाद में वार्षिक वृद्धि 8% की वृद्धि का लक्ष्य रखा गया। योजना के दौरान प्रति वर्ष 7.5 अरब डॉलर के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का लक्ष्य रखा गया। योजना अवधि में 5 करोड़ रुपए के अवसरों का सृजन करना लक्ष्य रखा गया। इसके अतिरिक्त सन 2007 अर्थात योजना के अंत तक साक्षरता 75%, शिशु मृत्यु दर 45 प्रति 1000 इससे कम और वन आच्छादन 25% करने का लक्ष्य रखा गया था। फिर है 11वीं पंचवर्षीय योजना। तो इसमें बता देते हैं हम लोग आप लोगों को, तो 11वीं पंचवर्षीय योजना रही 2007 से 2012 तक। इसके मुख्य तथ्य बता देते हैं जितने हैं। यह योजना तीव्रतर और अधिक समावेशी विकास की एक व्यापक रणनीति प्रस्तुत करती है। याद रखना 1 अप्रैल 2007 से शुरू हुई थी। इसके मुख्य तथ्य कुछ बता देते हैं। तीव्रतर और अधिक समावेशी विकास इसकी प्राथमिकता क्षेत्र थी, ठीक है, तीव्रतम एवं समावेशी विकास। फिर है 12वीं पंचवर्षीय योजना। तो उसमें बता दें आपको वो 2012 से 2017 तक रही। योजना आयोग का पत्र तीव्र धारणीय और अधिक समावेशी विकास इसका मुख्य लक्ष्य था। 12वीं पंचवर्षीय योजना का उपशीर्षक था तीव्र धारणीय अधिक समावेशी लक्ष्य, ठीक है। अब बात कर लेते हैं यही कुछ गरीबी तथा बेरोजगारी उन्मूलन से संबंधित योजनाएं तथा उनके प्रारंभ वर्ष। तो मरुभूमि विकास कार्यक्रम 1977-78 में प्रारंभ हुआ। काम के बदले अनाज कार्यक्रम 1977-78 में प्रारंभ हुआ। अंत्योदय योजना 1977-78 में ये भी शुरू हुई। ट्राइसेम ये 1969 में हुई 79 में सॉरी एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम 1980 में। द्वाकरा 1982 में। जवाहर रोजगार योजना 1989। नेहरू रोजगार योजना 1989। 10 लाख कुआ योजना 1988-89। इंदिरा आवास योजना 1985-86 में। प्रधानमंत्री रोजगार योजना 1993 में। रोजगार आश्वासन योजना 1993। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना 1997। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना
ये 1999, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना 1999, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना 2001 में, 2000 सन 2000 2001 में, अन्नपूर्णा योजना 2000 में, जनश्री बीमा योजना 2000 2001 में, अंत्योदय अन्न योजना 2000 में, और आसर बीमा योजना 2001 2002 में, जेपी रोजगार गारंटी योजना 2002 2003 में, भारत निर्माण कार्यक्रम 2005 2006 में, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम ये हुआ 2006 में। अब बात करते हैं राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम नरेगा के बारे में। तो ये 2 फरवरी 2006 को आंध्र प्रदेश के बंदावाली जिले में अनंतपुर गांव से स्टार्ट हुई थी। नेशनल एक्ट, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी अधिनियम सितंबर 2005 में आए। नीति निर्माता जेआरएच बेल्जियम के अर्थशास्त्री थे। क्रियान्वयन ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा लागू शुरू में यह योजना 27 राज्यों के 200 जिलों में लागू किए, लेकिन अप्रैल 2008 से यह 614 मतलब पूरे भारत में लागू किए। विलय संपूर्ण ग्राम रोजगार योजना, काम के लिए अनाज योजना ने विलय किया गया था। वित्तीय सहयोग इसमें 90% केंद्र और 10% राज्य देती थी। योजना का प्रारूप प्रत्येक परिवार को एक वर्ष में 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराना, इसमें 33% महिलाओं की भागीदारी, 15 दिन तक रोजगार प्रदान न करने पर बेरोजगारी भत्ता देना होगा, कार्य स्थल पर वित्तीय होने पर 25,000 रुपये दिए जाते थे। कार्य की अवधि थी 7 घंटे और सप्ताह में 6 दिन से अधिक नहीं होगी। कार्यस्थल घर से 5 किलोमीटर के भीतर होगा। दूर होने पर 10% अतिरिक्त मजदूरी देनी होगी। काम पाने का अधिकार एक कानूनी अधिकार है, याद रखना काम पाने का अधिकार एक कानूनी अधिकार है। नरेगा का नाम 2 अक्टूबर 2009 को परिवर्तित करके मनरेगा महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना कर दिया गया था। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग भारतीय आयोजना से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। भारत में योजना निर्माण हेतु केंद्रीय निकाय है योजना आयोग, 3 इसके अध्यक्ष होते थे प्रधानमंत्री। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ 6 अगस्त 1952 को। प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होता थे होते थे और योजना आयोग के सचिव इसके सचिव होते थे। सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और योजना आयोग के सदस्य राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य होते थे। दीर्घकालिक योजना वह योजना होती है जो योजना आयोग द्वारा सामाजिक एवं राजनीतिक उद्देश्यों को ध्यान में रखकर 5 से 20 वर्षों के लिए बनाई जाती है। योजना का अंतिम अनुमोदन राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा होता था। देश में प्रथम पंचवर्षीय योजना हेरोड डोमर मॉडल पर आधारित थी। भारत में गरीबी का आकलन पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा उपयोग न कर पाने की क्षमता के आधार पर किया जाता है। उस व्यक्ति को निर्धनता की रेखा के नीचे माना जाता है जो ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिदिन 2400 कैलोरी व शहरी क्षेत्रों में 2100 कैलोरी भोजन प्राप्त करने में असमर्थ हो। यह मानदंड योजना आयोग द्वारा निर्धारित किया गया था। निर्धनों की संख्या में उत्तर प्रदेश का स्थान सबसे ऊपर, वहीं निर्वातन उड़ीसा मामले में सर्वोच्च स्थान पर था। चलिए अब हम बात करते हैं नई आर्थिक नीति के बारे में। नई आर्थिक नीति आर्थिक सुधार से संबंधित है जिसका उद्देश्य उत्पादकता में सुधार, नई तकनीक की आत्मसात करना तथा समग्र रूप से क्षमता के पूर्णता प्रयोग को एक राष्ट्रीय अभियान का रूप देना। नई आर्थिक सुधार की रूपरेखा सर्वप्रथम राजीव गांधी के प्रधानमंत्री काल में 1985 में बनाई गई और शुरू की गई। नई आर्थिक सुधार की दूसरी लहर पीवी नरसिंह राव की सरकार के काल में 1991 में आई। नई आर्थिक सुधार नीति 1991 को शुरू करने का प्रमुख कारण खाड़ी युद्ध तथा भारत के भुगतान संतुलन की समस्या थी। नई आर्थिक नीति 3 प्रमुख आयाम थे, इसमें निजीकरण, उदारीकरण और विश्व व्यापीकरण। याद रखिए इसमें 3 आयाम थे, निजीकरण, उदारीकरण, विश्वव्यापीकरण। नई आर्थिक नीति सन 1991 के मुख्य क्षेत्र थे राजकोषीय नीति, मौद्रिक नीति,
मूल निर्धारण नीति, विदेश नीति, औद्योगिक नीति, देशी विनिमय नीति, व्यापार नीति और सार्वजनिक क्षेत्र नीति। राजकोषीय नीति राजकोषीय नीति 1991 के तहत मुख्य चार कदम उठाए गए। सार्वजनिक, पहला सार्वजनिक व्यय को सख्ती से नियंत्रित करना, दूसरा था कर एवं कर बिन राजस्व को बढ़ाना, तीसरा था केंद्र तथा राज्य सरकारों पर राजकोषीय अनुशासन लागू करना, चौथा था अनुदान राशि में कटौती करना। मौद्रिक नीति 1991 के तहत स्फीतिकारी दबावों के लिए प्रतिबंधात्मक उपाय किए गए। औद्योगिक नीति 1991 के अधीन तीन उपायों को लागू किया गया था। वे थे 18 उद्योगों की सूची को छोड़ अन्य सभी उद्योगों के लिए लाइसेंस हटा दिए गए थे। एनआरटीपी कंपनियों को विनियोग हेतु आयोग से मुक्त कर दिया था। तीसरा था सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित क्रियाओं का दायरा सीमित कर दिया गया तथा उक्त क्षेत्रों में निजी क्षेत्र की अनुमति दी गई। विदेशी नीति विनियोग नीति 1991 के तहत जिन सुधारों को लक्ष्यबद्ध किया गया था वे थे निम्न। बहुत से उद्योगों में 51% विदेशी हिस्सा, पूंजी के स्वामित्व की सीमा तक प्रत्यक्ष विदेशी विनिवेश की स्वतः स्वीकृति दी गई। दूसरा था निर्यात क्रियाओं में लगी विदेशी व्यापार कंपनी को 51% तक हिस्सा पूंजी लगाने की अनुमति हो गई थी। तीसरा था सरकार उच्च प्राथमिकता वाले उद्योगों में तकनीकी संधियों के लिए स्वतः स्वीकृति प्रदान करेगी। व्यापार नीति 1991 के तहत अर्थव्यवस्था के अंतरराष्ट्रीय एकीकरण को उन्नत करने हेतु उद्योग को प्राप्त अत्यधिक व अविवेकपूर्ण संरक्षण धीरे धीरे समाप्त करने की दिशा में एकदम उठाए गए। सार्वजनिक क्षेत्र संबंधी नीति 1991 के तहत उद्यमों में कार्य कुशलता तथा बाजार अनुशासन लाने के लिए जिन उपायों को लागू किया गया वे थे आरक्षित उद्योगों की संख्या घटाकर 8 कर दी गई, वर्तमान में केवल 3। जीर्ण उद्योगों के पुनरुद्धार का कार्य औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड को सौंप दिया गया। सार्वजनिक उद्यमों के निष्पादन में उन्नति के लिए उद्यमों को बोध ज्ञापन के माध्यम से मजबूत किया गया। चौथा था श्रमिक की संख्या कम करने के लिए स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति योजना आरंभ की गई। फिर नई आर्थिक सुधार नीति 1991। नई आर्थिक सुधार नीति 1991 से आगे बढ़ते हुए अब काफी खुली उदार वैश्वीकृत हो चुकी थी। इस समय नई उद्योग नीति के तहत आरक्षित उद्योगों की संख्या 3 थी। कौन कौन से? परमाणु ऊर्जा, रेल परिवहन और परमाणु ऊर्जा की अनुसूची में निर्दिष्ट खनिज। 9 मई 2001 को मंत्रिमंडलीय निर्णय के अनुसार सरकार ने सुरक्षा उत्पादन के क्षेत्र में निजी क्षेत्र के प्रवेश की अनुमति प्रदान कर दी, जिसके लिए कंपनी को रक्षा मंत्रालय में लाइसेंस लेना पड़ता। संसाधन जुटाने तथा कार्य कुशलता लाने की दृष्टि से सार्वजनिक उद्योगों के संबंध में विनिवेश नीति नई नीति बस 1991-92 में अपनाई। 100% निर्यात मूलक इकाइयों में 100% विदेशी पूंजी निवेश की अनुमति दी गई। विनिवेश या अपनिवेश कारक उद्यमों में सरकारी भागीदारी घटाना। सन 1996 में विनिवेश उद्योग मुद्दे पर समीक्षा, सुझाव तथा विनिमय के लिए विनिवेश कमीशन का गठन। विनिवेश कमीशन के पहले अध्यक्ष थे जेबी रामकृष्ण। औद्योगिक आधुनिकीकरण तकनीकी विकास के परिणाम स्वरूप प्रभावित होने वाली तथा बंद की जाने वाली रूप औद्योगिक इकाइयों के विस्थापित श्रमिकों की सहायता तथा पुनर्स्थापना के लिए सन 1992 ईस्वी में राष्ट्रीय नवीकरण निधि की स्थापना। नवरत्न वैसी कंपनियां जो विश्व स्तरीय कंपनियों के रूप में उभर रही थी तथा जिसे सरकार ने प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से पूर्ण स्वायत्तता प्रदान की, ऐसी कुल 20 कंपनियां की पहचान की गई थी। दूसरे चरण के आर्थिक सुधार कार्यक्रम के प्रमुख लक्ष्य 7 से 8% वृद्धि दर से निरंतर समान
एवं रोजगार सृजनकारी दिशा में विकास तथा देश में से गरीबी का उन्मूलन करना था। अब यही बात कर लेते हैं औद्योगिक क्षेत्र और विनिवेश विदेशी निवेश की सीमा 2000। सार्वजनिक बैंकिंग क्षेत्र में 49% थी, निजी बैंकिंग क्षेत्र में 74%, गैर बैंकिंग वित्तीय क्षेत्र में 100%, बंदरगाह में 100%, विद्युत एवं ऊर्जा में 100%, पर्यटन में 100%, दूर संचार में 100%, लघु उद्योग क्षेत्र में 100%, पेट्रोलियम में 100%, दवा उद्योग में 100%, नागरिक उड्डयन में 100% और बीमा क्षेत्र में 100%, कोयला क्षेत्र में 100%। भारतीय वित्त व्यवस्था की बात कर लेते हैं। भारतीय वित्त व्यवस्था से तात्पर्य ऐसी व्यवस्था से जिसमें व्यक्तियों, वित्तीय संस्थाओं, बैंकों, औद्योगिक कंपनियों तथा सरकार द्वारा वित्त की मांग होती है, इसकी पूर्ति की जाती है। भारतीय व्यवस्था को दो पक्ष होते हैं, पहला पक्ष मांग, दूसरा पूर्ति। मांग पक्ष का प्रतिनिधित्व व्यक्तिगत निवेशक, औद्योगिक तथा व्यापारिक कंपनियां, सरकार आदि करती हैं, जबकि पूर्ति पक्ष का प्रतिनिधित्व बैंक, बीमा कंपनियां, म्यूचुअल फंड, अन्य वित्तीय संस्थाएं करती हैं। भारतीय वित्त व्यवस्था को दो भागों में बांटा गया, भारतीय मुद्रा बाजार, भारतीय पूंजी बाजार। भारतीय मुद्रा बाजार को तीन भागों में बांटा गया, असंगठित क्षेत्र, संगठित क्षेत्र और बैंकिंग क्षेत्र तथा मुद्रा बाजार का बाजार। असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत देशी बैंकर, साहूकार, महाजन आदि परंपरागत स्रोत आते हैं। ग्रामीण तथा कृषि शाख में अभी इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। संगठित क्षेत्र की बात करें तो भारतीय रिजर्व बैंक शीर्ष संस्था थी इसमें। इसके अतिरिक्त सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, निजी क्षेत्र के बैंक, विदेशी बैंक तथा अन्य वित्तीय संस्थाएं आती हैं। भारतीय रिजर्व बैंक देश में मौद्रिक गतिविधियों के नियमन का नियंत्रण करता है। भारतीय रिजर्व बैंक के दो प्रकार के कार्य, पहला सामान्य केंद्रीय बैंकिंग कार्य, दूसरा विकास संबंधी और विवर्धन कार्य। सामान्यतः केंद्रीय बैंकिंग कार्य के अधीन भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा निम्नलिखित कार्य किए जाते हैं, करेंसी नोटों का निर्गमन, सरकारी बैंकर का काम, बैंकों के बैंक का काम, विदेशी विनिमय को नियंत्रित करना, साख नियंत्रण, आंकड़े का संग्रहण, विकासन। विकास संबंधी एवं परिवर्तन कार्य के अधीन भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य निम्न प्रकार है, मुद्रा बाजार पर प्रतिबंधात्मक नियंत्रण, बचतों को बैंकों व अन्य वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से उत्पादन के लिए उपलब्ध कराना, तीसरा है लोगों में बैंकिंग की आदत बढ़ाने के लिए प्रयास करना। बैंकिंग की आदत बढ़ाने के उद्देश्य से सन 1964 ईस्वी में भारतीय यूनिट ट्रस्ट की स्थापना की गई। संस्थागत कृषि शाख की सुविधा की व्यवस्था और विस्तार रिजर्व बैंक की एक अन्य महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। इसी उद्देश्य के तहत सन 1963 में कृषि पुनर्वित्त विकास निगम की स्थापना की गई थी। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा शाख पर नियंत्रण निम्न तरीकों से किया जाता है, बैंक दर नीति द्वारा, खुले बाजार की क्रियाओं द्वारा, बैंकों की नकद कोष संबंधी आवश्यकताओं में परिवर्तन करके, तरलता संबंधी वैधानिक आवश्यकताओं को पूरा करके, विभेदक ब्याज दरों की प्रणाली अपनाकर, चयनात्मक शाख नियंत्रण नीति से और नैतिक प्रभाव की दृष्टि से। मुद्रा बाजार का उप बाजार एक विशेष प्रकार की प्रतिभूति बाजार है। ये प्रतिभूति कॉल मुद्रा अल्पावधि के बिल, 182 दिन के ट्रेजरी बिल, जमा प्रमाण पत्र और व्यवहारिक पत्र, DFHI अर्थात डिस्काउंट एडवांस फाइनेंस हाउस ऑफ इंडिया लिमिटेड। मुद्रा बाजार एक विशिष्ट संस्था है जिसकी स्थापना सन 1988 में की गई। इसका कार्य बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं की कटौती और फिर कटौती की आवश्यकताओं को पूरा करना है। MMFS अर्थात मनी मार्केट म्यूचुअल फंड एक अन्य विशिष्ट संस्था थी जिसकी स्थापना का उद्देश्य व्यक्तियों को मुद्रा बाजार के उपकरण उपलब्ध कराना है। इसकी स्थापना सन 1992 में हुई। फिर पूंजी बाजार, मुद्रा बाजार से इस बात से भिन्न है पूंजी बाजार कि मुद्रा बाजार अल्पावधि को वित्तीय व्यवस्था का बाजार है, जबकि पूंजी बाजार में मध्यम दीर्घकाल के कोषों का आदान प्रदान किया जाता है। भारतीय पूंजी बाजार को मोटे तौर पर दो भागों में बांटा जाता है, कौन कौन से? यह गिल्ट एज्ड बाजार और औद्योगिक प्रतिभूति बाजार। गिल्ट एज्ड बाजार में रिजर्व बैंक के माध्यम से
सरकारी और अर्ध सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय किया जाता है। गिल्ड एज के बाजार में सरकारी और अर्ध सरकारी प्रतिभूतियों का मूल्य स्थिर रहता है और इस क्षेत्र की अन्य प्रतिभूतियों के समान इनमें अस्थिरता नहीं होती है। ठीक है, औद्योगिक प्रतिभूति बाजार में नए स्थापित होने वाले या पहले से स्थापित औद्योगिक उपक्रमों के शेयर डिवेंचर का क्रय विक्रय किया जाता है। यदि पूंजी बाजार में निजी निगम क्षेत्र के नए अंशों और डिवेंचरों सरकारी कंपनियों की प्राथमिकता प्रतिभूति या नई प्रतिभूति तथा सार्वजनिक क्षेत्र के बांडों की निर्गमों का क्रय विक्रय किया जाता है तो ऐसे बाजार को प्राथमिक पूंजी बाजार कहे जाते हैं। द्वितीयक पूंजी बाजार के अंतर्गत स्टॉक एक्सचेंज में होने वाले क्रय विक्रय तथा गिल्ड गिल्ड एज बाजार में होने वाले क्रय विक्रय आते हैं। भारतीय पूंजी बाजार में पूंजी के स्रोत अंश पूंजी ग्रहण पत्र इसके अतिरिक्त स्रोत के रूप में ये संस्थाएं जो वित्तीय मध्यस्थ की भूमिका निभाती है जैसे मर्चेंट बैंक, म्यूचुअल फंड, लीजिंग कंपनियां, जोखिम पूंजी कंपनियां, यूटीआई अर्थात भारतीय यूनिट ट्रस्ट भारत की सबसे म्यूचुअल फंड संस्था है। स्टॉक एक्सचेंज एक ऐसी व्यवस्था का बाजार है जिसका छोटे निवेशक निवेश कर सकते हैं तथा मौजूद प्रतिभूतियों का आसानी से क्रय विक्रय कर सकते हैं। यही बात कर लेते हैं हम लोग बैंकिंग क्षेत्र की प्रचलित शब्दावली। तो बैंक रेट, जिस सामान्य ब्याज पर रिजर्व बैंक द्वारा वाणिज्यिक बैंक को पैसा उधार दिया जाता है उसे बैंक दर कहते हैं। इसके माध्यम से रिजर्व बैंक द्वारा साख नियंत्रण क्रेडिट कंट्रोल किया जाता है। फिर है रेपो दर। रेपो दर अल्पकालिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु जिस ब्याज दर पर कॉमर्शियल बैंक रिजर्व बैंक को नगद ऋण प्राप्त करते हैं रिजर्व बैंक से, इसे रेपो दर कहते हैं। रिवर्स रेपो रेट दर अल्पकालिक अवधि के लिए रिजर्व बैंक द्वारा कॉमर्शियल बैंकों से जिस ब्याज पर नकदी प्राप्त की जाती है रिवर्स रेपो दर कहलाता है। सामान्य बाजार में मुद्रा की आपूर्ति बढ़ जाने पर उसमें कमी लाने के उद्देश्य से रिजर्व बैंक द्वारा बड़ी ब्याज दरों पर कॉमर्शियल बैंकों को अल्प अवधि के लिए नकदी रिजर्व बैंक में जमा करने हेतु प्रोत्साहित किया जाता है। फिर बचत बैंक दर, बैंक ग्राहकों की छोटी छोटी बचतों पर बैंक द्वारा दी जाने वाली ब्याज दर को बचत बैंक दर कहते हैं। जमा दर, बैंक ग्राहकों की सावधि जमाओं पर दी जाने वाली ब्याज की दर को जमा दर कहते हैं। नगद आरक्षित अनुपात CRR, किसी वाणिज्यिक बैंक में कुल जमा राशि का वह प्रतिशत जिसे रिजर्व बैंक के पास अनिवार्य रूप से जमा करना पड़ता है नगद आरक्षित अनुपात कहा जाता है CRR। इसकी दर जितनी ऊंची होती है बैंक की साख सृजन क्षमता उतनी कम होती है। वैधानिक तरलता अनुपात की बात करें तो SLR, किसी भी वाणिज्य बैंक में कुल जमा राशि का वह भाग जो नगद स्वर्ण व विदेशी मुद्राओं के रूप में उसे अपने पास अनिवार्य रूप से रखना पड़ता है वैधानिक तरलता अनुपात कहलाता है। बैंकों को वित्तीय संकट का सामना करने हेतु रिजर्व बैंक द्वारा ऐसी व्यवस्था की गई। प्राइम लैंडिंग रेट PLR, किसी भी बैंक के लिए प्राइम लैंडिंग रेट वह ब्याज दर है जिस पर बैंक उस ग्राहक को जिसके संबंध में जोखिम शून्य हो को ऋण देने को तैयार है। यह दर एक प्रकार से आधारित ब्याज दर के रूप में कार्य करती है। फिर बात कर लेते हैं भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी के बारे में। भारतीय प्रतिभूति बोर्ड एवं विनिमय बोर्ड की स्थापना 12 अप्रैल सेबी की स्थापना कब हुई 12 अप्रैल 1988 को। आर्थिक उदारीकरण की नीति के अंतर्गत पूंजी बाजार में निवेशकों की रुचि बढ़ाने तथा उनके हितों की रक्षा के उद्देश्य की गई थी। 30 जनवरी 1992 को एक अध्यादेश के द्वारा इसे वैधानिक दर्जा भी प्रदान किया कर दिया गया। सेबी अधिनियम को संशोधित कर 30 जनवरी 1992 को सेबी म्यूचुअल फंड एवं स्टॉक मार्केट के नियंत्रण के अधिकार दिए गए। सेबी के अध्यक्ष पद पर सामान्यतः कार्यकाल 3 वर्ष का होता है सेबी के अध्यक्ष का, किंतु अधिकतम आयु 65 वर्ष तक है। कोई व्यक्ति इस पद पर रह सकता है। सेबी का प्रबंध 6 सदस्यों द्वारा किया जाता है जिसमें चेयरमैन होता है जो केंद्र सरकार द्वारा नामित होता है। 1988 में सेबी की प्रारंभिक पूंजी 7.5
5 करोड़ रुपए थी जो प्रवर्तक कंपनियों द्वारा दी गई थी। इसी राशि के ब्याज की आय से सेबी के दिन प्रतिदिन के काल संपन्न होते थे। भारतीय पूंजी बाजार को विनियमित करने की वैधानिक शक्तियां अब सेबी को ही है। नए प्रावधानों के अनुसार जब किसी भी शेयर बाजार स्टॉक एक्सचेंज को मान्यता प्रदान करने का अधिकार सेबी को है। शेयर बाजार किसी सदस्य के किसी बैठक में मताधिकार के संबंध में नियम बनाने तथा उसे संशोधित करने का अधिकार भी सेबी के पास है। सेबी विधेयक 2002 के तहत इनसाइडर ट्रेडिंग के लिए 25 करोड़ रुपए तक जुर्माना सेबी द्वारा किया जा सकता है। इसी विधेयक में लघु निवेशकों के साथ धोखाधड़ी के मामले 1 लाख रुपए प्रति दिन की दर से 1 करोड़ रुपए जुर्माना आरोपित करने का प्रावधान भी सेबी को है। ये तो अब बात करते हैं भारत के प्रमुख शेयर बाजारों को देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं राष्ट्रीय शेयर बाजार, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएसई भी बोला जाता है इसे एनएसई। राष्ट्रीय शेयर बाजार की स्थापना की संस्तुति 1991 में फेरवानी समिति ने की थी। 1992 में सरकार ने भारतीय औद्योगिक विकास बैंक को इस बाजार की स्थापना का कार्य सौंपा। IDBI यानी कि भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ही राष्ट्रीय शेयर बाजार का प्रमुख प्रवर्तक है। राष्ट्रीय शेयर बाजार की प्रारंभिक अधिकृत पूंजी थी 25 करोड़ रुपए। इसका मुख्यालय है मुंबई में, ठीक बरेली में। अब बात करते हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE। इसकी स्थापना 1875 में स्टॉक्स एक्सचेंज मुंबई के नाम से की गई थी, जिसे 2002 में बदलकर बॉम्बे स्टॉक्स एक्सचेंज कर दिया गया। 19 अगस्त 2005 से BSE एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी में रूपांतरित हो गई। इसमें वर्तमान में 4800 से भी अधिक भारतीय कंपनियां पंजीकृत हैं। फिर है ओवर दी काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना नवंबर 1992 में मुंबई में की गई। भारत में सर्वप्रथम ऑनलाइन ट्रेडिंग सुविधा संपन्न कंप्यूटराइज्ड एक्सचेंज नैस्डैक के आधार पर की गई। OTCI मतलब ओवर दी काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया के आधार में उन कंपनियों को सूचीबद्ध किया जाता है जिनकी पूंजी का स्तर 30 लाख रुपए से 25 लाख रुपए सॉरी 30 लाख रुपए से 25 करोड़ रुपए है। विश्व का पहला संगठित शेयर बाजार वर्ष 1602 में एम्स्टर्डम नीदरलैंड में स्थापित किया गया था। स्टॉक एक्सचेंज में 90% तक विदेशी निवेश की अनुमति है। इनमें विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की अधिकतम 26 से 23 संस्थागत विदेशी निवेश हो सकता है। न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध भारत की 8 कंपनियां थी। डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरीज, HDFC, ICICI बैंक, MTNL, सत्यम कंप्यूटर, विदेशी संचार निगम लिमिटेड, BSNL, विप्रो, टाटा मोटर्स। अब यही बात कर लेते हैं हम लोग विश्व के प्रसिद्ध शेयर बाजारों के प्रमुख शेयर मूल्य सूचकांक। ये शेयर मूल्य सूचकांक हो गए, स्टॉक्स एक्सचेंज हो गए। डो जोन्स न्यूयॉर्क, निक्की टोक्यो, मिडडिक्स फ्रैंकफर्ट, हांगसेंग ये हांगकांग, सिमिक्स स्टेक्स टाइम्स ये सिंगापुर, कॉस्पी कोरिया, सेट थाईलैंड, तेन ये ताइवान, शंघाई कॉम चीन, नासदाक USA, S&P कनाडा, बो वेस्पा ब्राजील, मेबिटेल इटली, IPC मैक्सिको, जकार्ता कंपोजिट इंडोनेशिया, KLSE कंपोजिट मलेशिया, सियोल कंपोजिट दक्षिण कोरिया, FTSE 100 लंदन। ठीक है, आगे बात करते हैं भारतीय कंपनियां अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक कंपनी को पूंजी के लिए अंशों में निगरानी का अधिकार होता है। इस प्रकार एकत्रित की गई पूंजी अंश पूंजी या शेयर कहलाती है।
शेयर होल्डरों के स्टॉक पर हुई कमाई को लाभांश कहते हैं। भारत के प्रमुख शेयर मूल्य सूचकांकों की बात करें तो बीएसई सेंडेक्स, ये मुंबई स्टॉक एक्सचेंज संबंधी शेयर सूचकांक है। यह 30 प्रमुख शेयरों का प्रतिनिधित्व करता है। इसका आधार वर्ष था 1978-79। फिर बीएसई यह मुंबई स्टॉक एक्सचेंज का 200 शेयरों का प्रतिनिधित्व करता है। इसका आधार वर्ष 1989-90 था। डॉलेक्स वीएसई 200 सूचकांक का ही डॉलर मूल सूचकांक डॉलेक्स कहलाता है। NSE 50 राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज दिल्ली से संबंधित सूचकांक का नाम बदलकर S&P CNX निफ्टी रखा गया। बात करते हैं भारतीय वित्त व्यवस्था से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। तो भारत में वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। रिजर्व बैंक की RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को 5 करोड़ रुपए की अधिकृत पूंजी से की हुई थी। 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण हुआ। तो यहाँ दो बातें याद रखिए, 1 अप्रैल 1935 को स्थापना हुई रिजर्व बैंक की, और राष्ट्रीयकरण कब हुआ रिजर्व बैंक का RBI का, 1 जनवरी 1949। रिजर्व बैंक का भारत केंद्रीय बैंक है, इसका मुख्यालय भारत का केंद्रीय बैंक है रिजर्व बैंक, और इसका मुख्यालय रिजर्व बैंक का मुंबई में है। ठीक, 1 रुपए के नोट तथा सिक्कों का निर्गमन वित्त मंत्रालय करता है। इसके अतिरिक्त समस्त करेंसी नोटों का निर्गम रिजर्व बैंक करता है। मुद्रा की दशमलव प्रणाली के साथ प्रचलित नया पैसा 1 अप्रैल 1957 से पैसा हो गया। पूर्ण रूप से पहला भारतीय बैंक पंजाब नेशनल बैंक था। इसकी स्थापना 1894 में की गई। 1921 में 3 प्रमुख प्रेसिडेंसी बैंकों को मिलाकर भारतीय इंपीरियल बैंक की स्थापना की गई थी। 1959 ईस्वी में 8 क्षेत्रीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण स्टेट ऑफ बैंक की सहायक दर्जा दिया गया। वर्तमान में स्टेट बैंक इंडिया के 6 सहायक बैंक है, जो 17 जुलाई 1969 को 14 बड़े व्यावसायिक बैंकों तथा 15 अप्रैल 1980 को 6 अनुसूचित बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। जो सबसे पहले याद रखिए 1969 में 14 का और 80 में 6 बैंकों का। 14 सितंबर 1993 को न्यू बैंक ऑफ इंडिया का पंजाब नेशनल बैंक में विलय कर दिया गया। अतः अब केवल 19 राष्ट्रीयकृत बैंक रह गए हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का द्वारा कुल जमा का लगभग 91% का नियंत्रण किया जाता है। सार्वजनिक बैंकों में भारतीय स्टेट बैंक का समूह सबसे बड़ा है, जो कुल जमा का लगभग 29% का नियंत्रण करता है। वाणिज्यिक बैंकों का स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना को लागू करने वाला सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक पंजाब नेशनल बैंक था। इसने यह योजना 1 नवंबर 2000 को लागू की थी। अब कहते पहले चरण में राष्ट्रीयकृत बैंकों की, जो राष्ट्रीयकरण हुआ था पहले चरण में 1969 में, उन्हें देखते हैं। बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, सिंडिकेट बैंक, यूनाइटेड कमर्शियल बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, इलाहाबाद बैंक, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, देना बैंक। दूसरा चरण में हुआ था 6 बैंकों का 1980 में। इसमें शामिल थी आंध्रा बैंक, कारपोरेशन बैंक, न्यू बैंक ऑफ इंडिया, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, पंजाब तथा सिंध बैंक और विजया बैंक। ठीक, अब बात करते हैं देश में पहला मोबाइल बैंक मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में ग्रामीण क्षेत्रों में कारगर है। लक्ष्मी वाहिनी बैंक के नाम से इस चलते फिरते बैंक की स्थापना 1 करोड़ रुपए की लागत में से एक मोबाइल वैन में की गई थी। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा देश का पहला तैरता एटीएम कोची में 9 फरवरी 2004 को लॉन्च किया गया था। यह एटीएम केरला शिपिंग एंड इनलैंड नेविगेशन कॉरपोरेशन के झंकार नामक स्टीमर में लगाया गया था। यह स्टीमर एर्नाकुलम और ब्रिपीन के बीच चल रहा है। गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी से बैंकिंग के
बैंक के रूप में, बैंकिंग बैंक के रूप में रूपांतरित होने वाला पहला बैंक कोटक महिंद्रा बैंक है लिमिटेड है। पूर्व में यह कोटक महिंद्रा फाइनेंस कंपनी के रूप में कार्यरत था। निजी क्षेत्र में नए बैंकों में सर्वप्रथम यूटीआई बैंक ने 2 अप्रैल 1994 से कार्य करना प्रारंभ किया। इसका मुख्यालय अहमदाबाद में है। भारत में सहकारी बैंकों का गठन 3 स्तरों वाला है। राज्य सहकारी बैंक संबंधित राज्य में शीर्ष संस्था है। इसके बाद केंद्रीय या जिला सहकारी बैंक जिला स्तर पर, तृतीय स्तर प्राथमिक ऋण समितियां होती हैं जो ग्राम स्तर पर कार्य करती हैं। फिर हम ग्रामीण स्तर की बैंक की बात करें तो फिर हम ग्रामीण बैंक की स्थापना की बात करें तो 2 अक्टूबर 1975 को ही सिक्किम और गोवा को छोड़कर देश के सभी राज्यों में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कार्यरत है। बैंकिंग प्रणाली की पुनर्संरचना के संबंध में सुझाव देने के लिए 1991 में नरसिम्हम समिति का गठन किया गया था। तो याद रखिए नरसिम्हम समिति का संबंध कहाँ से था, बैंकों के बैंकिंग प्रणाली की पुनर्संरचना से संबंध। राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड देश में कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु उपलब्ध कराने वाली शीर्ष संस्था है। वर्तमान में 2010 में नाबार्ड की चुकता पूंजी 2000 करोड़ रुपये, जिसमें 72.5% हिस्सेदारी आरबीआई की थी। माइक्रो फाइनेंस की बढ़ती हुई मांग एवं उपयोगिता को देखते हुए इसके विनियमित विकास के लिए राष्ट्रीय विकास बैंक नाबार्ड का नियामक निकाय बनाने का सरकार विचार कर है। इसके लिए द माइक्रो फाइनेंशियल सेक्टर बिल 2007 लोकसभा में 20 मार्च 2007 को प्रस्तुत किया गया था। इस विधेयक में माइक्रो फाइनेंस डेवलपमेंट एंड इक्विटी फंड नाम से एक कोष के सृजन का प्रावधान है। भूमि विकास बैंक मूलतः दीर्घकालीन साख उपलब्ध कराती है। भूमि विकास बैंक का आरंभ भूमि बंधक बैंक के रूप में 1919 में हुआ था। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना 1 फरवरी 1964 को की गई। इसने अपना कार्य 1 जुलाई 1966 से किया। यूटीआई बैंक का नाम बदलकर एक्सिस बैंक लिमिटेड कर दिया गया। बैंक का नाम 30 जुलाई 2007 से प्रभावी किया गया। अब निजी क्षेत्र के बैंकों की बात करते हैं। पंजीकृत कार्यालय स्थापना वर्ष तो इंड बैंक पुणे में 2 अप्रैल 1994। ग्लोबल ट्रस्ट बैंक सिकंदराबाद में पंजीकृत कार्यालय ये 6/9/1994। आईसीआईसीआई बैंक बड़ौदा 17/5/1994। यूटीआई बैंक अहमदाबाद 28/2/1994। टाइम्स बैंक फरीदाबाद 26/4/1995। सिचुरियन बैंक फर्जी 13/1/1995। बैंक ऑफ पंजाब चंडीगढ़ 5/4/1995। HDFC बैंक मुंबई 5/1/1995। IDBI बैंक इंदौर 28/9/1995। डेवलपमेंट कैड बैंक लिमिटेड मुंबई 31/5/1995। ठीक है, आगे देखते हैं। IRBI अर्थात भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक की स्थापना अस्वस्थ औद्योगिक इकाइयों के पुनर्निर्माण के उद्देश्य 20 मार्च 1985 में की गई थी। भारतीय यूनिट ट्रस्ट 1 फरवरी 1964 को संसदीय अधिनियम से स्थापित किया गया। भारतीय यूनिट ट्रस्ट अब अपने परिवर्तित स्वरूप में निजी क्षेत्र की कंपनी हो गया है। 2001 में US 64 की धाराशाही होने के पश्चात यूटीआई का विभाजन दो अलग अलग कंपनियों यूटीआई फर्स्ट यूटीआई सेकंड में कर दिया गया था। यूटीआई के शुद्ध परिसंपत्ति मूल्य आधारित सभी योजनाओं को यूटीआई सेकंड के अधीन रखा गया था तथा इसकी परिसंपत्तियों का परिचालन अधिकार भारतीय जीवन बीमा निगम, भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक को दिया गया था। इन चारों बैंकों ने सरकार को पूरा मूल चुका कर यूटीआई सेकंड के प्रबंधन के साथ इसका स्वामित्व भी हासिल कर लिया। इन चारों की हिस्सेदारी फाइनेंस
25-25 प्रतिशत भारतीय जीवन बीमा निगम का मुख्यालय मुंबई में है। इसके 7 जोनल कार्यालय हैं और 100 क्षेत्रीय कार्यालय। इसकी स्थापना 1956 में हुई। भारतीय साधारण बीमा निगम की स्थापना 1972 में हुई। 17 मार्च 1957 को सरकार ने कंपनी अधिनियम सन 1956 के अधीन भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक लिमिटेड की स्थापना की। वर्तमान में इसकी पूंजी 1,000 करोड़ रुपये, मुख्यालय कोलकाता में। प्रमुख वित्तीय संस्थाओं की बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, तो इसकी स्थापना हुई 1921 में। भारतीय रिजर्व बैंक, इसका मुख्यालय मुंबई में। इसकी स्थापना हुई 1 अप्रैल 1935 में। भारतीय औद्योगिक निगम, तो इसकी स्थापना 1948 में। भारतीय औद्योगिक ऋण व निवेश निगम जनवरी 1955। भारतीय स्टेट बैंक 1 जुलाई 1955 में इसकी स्थापना। भारतीय यूनिट ट्रस्ट, इसका मुख्यालय मुंबई में है। इसकी स्थापना हुई 1 फरवरी 1964। कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु राष्ट्रीय बैंक नाबार्ड, इसकी स्थापना हुई 12 जुलाई 1982। भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक, इसकी स्थापना हुई 20 मार्च 1985। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, इसका मुख्यालय लखनऊ में। इसकी स्थापना हुई अप्रैल 1990। आयात निर्यात आयात बैंक 1 जनवरी 1982। राष्ट्रीय आवास बैंक जुलाई 1988। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक 2 अक्टूबर 1975। भारतीय जीवन बीमा, इसका मुख्यालय मुंबई में है। सितंबर 1956 में इसकी स्थापना। भारतीय साधारण बीमा निगम 1 नवंबर 1972 में। राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड, इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982। ठीक है, एक कृषि ग्रामीण विकास हेतु राष्ट्रीय बैंक थी, इसकी स्थापना भी 12 जुलाई 1982 में। कर के प्रकार, तो याद रखिए प्रत्यक्ष कर, आयकर, संपत्ति कर, उपहार कर। आप अप्रत्यक्ष कर की जगह अब बिक्री कर, तटकर, उत्पाद कर, सीमा शुल्क कर आते थे इसमें, लेकिन अब GST आ गया, तब से इन्हें अप्रत्यक्ष करों की जगह केंद्र सरकार द्वारा लगाए जाने वाले कर थे, आयकर, निगम कर, संपत्ति पर कर, उत्तराधिकार कर, धन कर, उपहार कर, सीमा शुल्क, कृषि धन पर कर। राज्य सरकार द्वारा लगाए जाते थे भूराजस्व, कृषि आय पर कर, कृषि ज्योत कर, बिक्री कर, राज्य उत्पादन शुल्क, मनोरंजन कर, स्टाम्प शुल्क, पद कर, मोटर वाहन और व्यवसाय कर। केंद्र सरकार सर्वाधिक निवल राजस्व की प्राप्ति सीमा शुल्कों से होती थी। सीमा शुल्क से प्राप्त राजस्व का बंटवारा राज्यों को नहीं करना है। कर ढांचे में सुधार के लिए सुझाव हेतु चेलिया समिति का गठन अगस्त 1991 में किया गया। तो पूछ सकता है चेलिया समिति का संबंध किससे था, तो याद रखिए कर ढांचे में सुधार से संबंधित, वही आई अगस्त 1991 में। छोटे व्यापारियों के लिए एक किस्त एक मुफ्त आयकर योजना की सिफारिश चेलिया समिति ने की थी। चेलिया समिति ने गैर किसकों को 25,000 रुपये से अधिक की वार्षिक कृषि आय पर आयकर लगाने की संशोधित की थी। भारत में प्रतिभूति मुद्रण एवं सिक्कों का उत्पादन, तो इंडिया सिक्योरिटी प्लेस नासिक महाराष्ट्र। नासिक रोड स्थित भारतीय प्रतिभूति मुद्रणालय में डाक संबंधी लेखन सामग्री, डाक एवं डाक विभिन्न टिकटों, अदालती एवं गैर अदालती स्टाम्पों, बैंकों के चेक, ब्रांडों, राष्ट्रीय बचत पत्रों, पोस्टल ऑर्डर, पासपोर्ट, इंदिरा विकास पत्रों, किसान विकास पत्रों आदि के अलावा राज्य सरकारों, सरकारी क्षेत्रों के उपक्रमों, वित्तीय निगमों आदि के प्रतिभूति पत्रों की छपाई की जाती है। सिक्योरिटी पेंटिंग फेस हैदराबाद, इसमें सिक्योरिटी पेंटिंग फेस हैदराबाद की स्थापना। दक्षिण राज्यों की डाक लेखन सामग्री की मांगों को पूरा करने व पूरे देश की केंद्रीय उत्पाद शुल्क स्टाम्प की मांग को पूरा करने के लिए 1982 में की गई थी, ताकि भारत के प्रतिभूति मुद्रणालय नासिक रोड के उत्पादन की अनुमति की जा सके। करेंसी नोट फेस नासिक महाराष्ट्र, नासिक रोड स्थित करेंसी नोट फेस में 10, 50, 100, 500, 2000, 2000, अब तो जैसे कि पता है आपको 1,000 रुपये का नोट बंद हो गया, अब 2,000 का आ गया, तो बैंक नोट छापती है, उनकी पूर्ति करती है।
बैंक नोट फेस देवास मध्य प्रदेश में, देवास में स्थित बैंक नोट फेस 20 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये के और उच्च मूल वर्ग के नोट छापती है। बैंक नोट पेश कर स्याही का कारखाना पीती पूती पत्तों को स्याही का निर्माण भी करता है। साहेबनी पश्चिम बंगाल, मैसूर, कर्नाटक के भारतीय रिजर्व बैंक बैंक नोट मुद्रण लिमिटेड दो नए एवं अत्याधुनिक करेंसी नोट पेश मैसूर कर्नाटक साल्वनी पश्चिम बंगाल में स्थापित किए। यहाँ RBI के नियंत्रण में करेंसी नोट छापे जाते हैं। ठीक, साहिबनी पश्चिम बंगाल और मैसूर कर्नाटक। चलिए बात करते हैं हम लोग सिक्योरिटी पेपर मिल होशंगाबाद मध्य प्रदेश में। बैंक और करेंसी नोट कागज तथा नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर की छपाई में प्रयोग होने वाले कागज का उत्पादन करने के लिए सिक्योरिटी पेपर में होशंगाबाद में 1967-68 में चालू की। फिर बात करते हैं टकसाल। सिक्कों का उत्पादन करने तथा सोने और चांदी की परख करने एवं तमंगों का उत्पादन करने के लिए भारत सरकार की ओर से 4 टकसालें मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद, नोएडा में स्थित हैं। मुंबई, हैदराबाद, कोलकाता की टकसालें काफी समय पहले क्रमशः 1830, 1903, 1950 में स्थापित की गई, जबकि नोएडा की टकसाल 1989 में स्थापित की गई। मुंबई तथा कोलकाता की टकसालों में सिक्के के अलावा विभिन्न प्रकार के पदकों, मेडल का भी उत्पादन किया जाता है। चलिए तो हम कृषि देखते हैं। अर्थव्यवस्था में कृषि, जैसा कि आपको पता है, कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था का मेरुदंड है तथा जनसंख्या का 52% भाग आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर है। निजी क्षेत्र का सबसे बड़ा व्यवसाय कृषि है। अब आपको यार ये आंकड़े पुराने हो चुके हैं तो कोई मतलब भी नहीं है। ठीक है, जो नए करंट अफेयर्स आए उसी में नए आंकड़े देख लेंगे हम लोग, जो काम के पॉइंट है उन्हें देख लेते हैं। जनवरी 2004 में राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन हुआ था, जिसके प्रथम अध्यक्ष सोमपाल थे। कृषि अनुदान और उत्पादन, काश्तकारी सुधार के अंतर्गत मुख्य 3 प्रकार के उपाय थे, लगान का नियमन, काश्त अधिकार की सुरक्षा, काश्तकारों को भूमि का मालिकाना अधिकार देना। कृषि पुनर्गठन के अंतर्गत मुख्य 2 उपाय किए गए, जोतों की सीमा बंदी और जोतों की चकबंदी। जोतों की सीमा बंदी जोत का वह महत्तम क्षेत्रफल है जो राज्यों के कानून द्वारा निर्धारित किया जाता है कि जिससे अधिक जोत का होना अवैध माना जाता है। जोतों की चकबंदी के विभाजित तथा खंडित जोतों का इकट्ठा करना। भारत में जोतों की संख्या सीमांत है, प्रकार की है। 1 हेक्टेयर से कम क्षेत्रफल वाले जोत सीमांत जोत कहलाती है, 1 से 4 हेक्टेयर वाली जोत लघु जोत कहलाती है, 4 हेक्टेयर से बड़े क्षेत्रफल वाले जोत बेहद जोत कहलाते हैं। भारत में सबसे पहले 1920 में बड़ौदा में चकबंदी लागू हुआ। हरित क्रांति के प्रारंभिक हरित क्रांति का प्रारंभ तीसरी पंचवर्षीय योजना में हुआ। हरित क्रांति का सर्वाधिक सकारात्मक प्रभाव गेहूं पर पड़ा, जिसकी पैदावार 500% की वृद्धि हुई थी। कृषि वित्त के गैर संस्थागत स्रोतों में महाजन, साहूकार, संबंधी या रिश्तेदार, व्यापारिक जमींदार अड़ियल होते हैं।
सहकारी साख संगठन का प्रारंभ सर्वप्रथम 1904 में हुआ। प्राथमिक सहकारी समिति अल्पकालीन ऋण उपलब्ध कराती है। राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराती है। यही कृषि बोर्ड उत्पाद बोर्डों को देख लेते हैं। टी बोर्ड, इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1954 को हुई थी, कोलकाता में इसका मुख्यालय। तम्बाकू बोर्ड 1 जनवरी 1976 में इसकी स्थापना हुई, गुंटूर में इसका मुख्यालय। मसाला बोर्ड 26 फरवरी 1987 कोची में इसका मुख्यालय। कॉपी बोर्ड बेंगलुरु में इसका मुख्यालय। रबड़ बोर्ड कोट्टायाम में इसका मुख्यालय। व्यापार बोर्ड 5 मार्च 1989 को हुई। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड 1965 में आनंद में है इसका मुख्यालय। ठीक है, एक फसल के मूल्य हो गए, तो जो करंट आंकड़े आए होंगे या हम लोग देख लेंगे आगे करंट अफेयर्स में क्या कह रहा है। ठीक है, फिर बात करते हैं उद्योगों की। आजादी के बाद भारत में औद्योगिक नीति संबंधी प्रस्ताव 1948 में पारित किया गया। सन 1948 में औद्योगिक नीति में सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र दोनों के ही महत्व को स्वीकार किया गया, परंतु मूल अधिकारों के विकास का दायित्व सार्वजनिक क्षेत्र को सौंपा गया। भारत में औद्योगिक नीति पुनः 1956 में लाई गई, जिससे सार्वजनिक क्षेत्र का विस्तार, सहकारी क्षेत्र का विकास तथा निजी एकाधिकारियों पर अधिकारों पर नियंत्रण जैसे उद्देश्य शामिल किए गए। सन 1948 में औद्योगिक नीति में उद्योगों की 4 श्रेणियां बनाई गई, जबकि सन 1956 में नीति के इसे घटाकर 3 कर दिया गया। सन 1973 में दत्त समिति की सिफारिशों के आधार पर संयुक्त क्षेत्र का गठन किया गया। सन 1980 में की औद्योगिक नीति आर्थिक संघवाद की धारणा से प्रेरित थी तथा इसमें कृषि पर आधारित उद्योगों को रियायतें देने की नीति अपनाई गई। नई औद्योगिक नीति की घोषणा 24 जुलाई 1991 को की गई, जिसमें व्यापक स्तर पर उदारवादी कदमों की घोषणा की गई। इस नई औद्योगिक नीति में 18 प्रमुख उद्योगों को छोड़कर अन्य सभी उद्योगों को लाइसेंस से मुक्त कर दिया गया। बाद में 13 और उद्योगों को लाइसेंस की आवश्यकता से मुक्त कर दिया गया, जिससे लाइसेंस की आवश्यकता से युक्त तो उद्योगों की संख्या वर्तमान में घटकर 5 रह गई थी। नई औद्योगिक नीति में निजीकरण एवं उदारीकरण प्रमुख था। सार्वजनिक उद्यम वैसे उद्यम है जिसका संचालन नियंत्रण सरकार द्वारा किया जाता है। अप्रैल 2010 में नवरत्न दर्जा प्राप्त कंपनियों की कुल संख्या 20 तथा 1997 में मूलतः 9 कंपनियों के लिए सृजित किया गया था। लाइसेंस की आवश्यकता से मुक्त उद्योग एल्कोहल युक्त पेयों का आसमन एवं इसके शराब इनसे शराब बनाना, तंबाकू के सिगार, सिगरेट, विनिर्मित तंबाकू के अन्य विकल्प, इलेक्ट्रॉनिक, एयरोस्पेस तथा रक्षा उपकरण सभी प्रकार के डिटोनेटिंग फ्यूल, सेफ्टी फ्यूल, गन पाउडर, नाइट्रो सेल्यूलोज तथा माचिस सहित औद्योगिक विस्फोटक, खतरनाक रसायन। बात कर लेते हैं नवरत्न का दर्जा प्राप्त कंपनियों के बारे में, स्थापना वर्ष, मुख्यालय। ठीक है, भारतीय हैवी इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड भेल 1962 में नई दिल्ली। भारतीय पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड 1976 मुंबई में। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड 1976 मुंबई में। मुख्य भारतीय तेल निगम 1964 नई दिल्ली में। महानगर टेलीकॉम लिमिटेड, इसकी स्थापना 1986 में नई दिल्ली। तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम, इसकी स्थापना 1956 देहरादून में इसका मुख्यालय। राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम NTPC 1975 में इसकी स्थापना हुई नई दिल्ली में। भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड सेल 1974 में इसकी स्थापना हुई नई दिल्ली में। भारतीय गैस प्राधिकरण गेल 1984 में इसकी स्थापना हुई नई दिल्ली में इसका मुख्यालय। भारतीय इलेक्ट्रॉनिक से लिमिटेड भेल 1954 में इसकी स्थापना हुई बेंगलोर में इसका मुख्यालय। हिंदुस्तान एरोनोटिक्स लिमिटेड हाल, इसकी स्थापना 1940 में बेंगलोर में इसका संस्थापक, इसका मुख्यालय। पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन PFC 1986 में इसकी स्थापना हुई नई दिल्ली में इसका मुख्यालय। पावर राष्ट्रीय खनिज विकास निगम NMDC 1950 में इसकी स्थापना हुई हैदराबाद में इसका मुख्यालय।
पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया 1989 में स्थापना हुई नई दिल्ली में। इसका मुख्यालय ग्रामीण विद्युत निगम लिमिटेड 1969 में इसकी स्थापना हुई नई दिल्ली में इसका मुख्यालय। ठीक, रेस इसकी 69 में हुई थी नई दिल्ली में। नेशनल एल्यूमिनियम नालको 1981 में उड़िया में है इसके उड़ीसा में इसका मुख्यालय। भारत नौवहन निगम इसकी स्थापना 1961 में हुई मुंबई में इसका मुख्यालय। कोल इंडिया 1975 में इसकी स्थापना हुई कोलकाता में इसका मुख्यालय। राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड 1982 में इसका स्थापना विशाखापट्टनम में इसका मुख्यालय। ऑयल इंडिया लिमिटेड 1959 में इसकी स्थापना हुई डुली एआजन में इसका मुख्यालय। ठीक है, अब बात करते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था। नवरत्न का दर्जा प्राप्त हो जाने से कंपनियों को ज्यादा प्रशासनिक और वित्तीय सहायता मिलती है। ये कंपनियां सरकार की अनुमति के बगैर देश में या विदेश में संयुक्त उद्यम लगा सकती है और उनमें अपनी नेटवर्क के 15% तक निवेश कर सकती है। सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के लिए महारत्न का दर्जा का सृजन का निर्णय केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 21 दिसंबर 2009 की बैठक में किया था। अभी बता दें 2019 की भारत में 10 महारत्न कंपनियां हैं। कौन कौन सी हैं? भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, कोल इंडिया लिमिटेड, गेल लिमिटेड, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इंडिया ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, एनटीपीसी लिमिटेड, तेल और प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। यानी कि 10 है, याद रखना, महारत्न कंपनियां। आर्थिक गणना 2005 के अनुसार देश में ये सभी पुराने आंकड़े हैं, कोई मतलब के नहीं। ठीक है, आगे बात करते हैं। लघु कुटीर विशेष ध्यान 1977 की औद्योगिक नीति में दिया गया। जिला उद्योगों की स्थापना 1977 में की गई। ठीक है, लघु उद्योग को वित्त प्रदान करने के उद्देश्य से 1990 में सिडबी अर्थात भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक की स्थापना की गई। आविद हुसैन समिति लघु उद्योगों में सुधार से संबंधित थी। लघु उद्योग वैसे उद्योग होते हैं जिसमें अधिक से अधिक 1 करोड़ रुपए का निवेश हुआ हो। भारतीय औद्योगिक वित्त निगम IFCI की स्थापना संविधान के विशेष अधिनियम के द्वारा 1 जुलाई 1948 को की गई। ICICI अर्थात भारतीय औद्योगिक साख एवं निवेश निगम लिमिटेड की स्थापना सन 1955 ईस्वी में भारतीय कंपनी अधिनियम के अंतर्गत की गई थी। ICICI का कार्य निजी क्षेत्र में स्थापित होने वाले उद्यमों की स्थापना का विकास तथा आधुनिकीकरण में सहायता करना है। औद्योगिक वित्त के क्षेत्र में भारतीय औद्योगिक विकास बैंक का स्थान सबसे ऊंचा है। बात करते हैं हम लोग व्यापार के बारे में। स्वतंत्रता पूर्व भारत के विदेशी व्यापार उपनिवेशवाद के सिद्धांतों से संचालित होते थे, परंतु स्वतंत्रता के बाद इसकी दिशा दोनों व्यापक परिवर्तन हुए। दोनों में स्वतंत्रता के बाद विदेशी व्यापार की अंतर्मुखी नीतियों को अपनाया गया और आयात स्थिति स्थापन की नीति इसका आधार बनी। व्यापार उदारीकरण के 80 के दशक में से आरंभ हुआ तथा 90 के दशक में 1991 के बाद उदारीकरण एवं विश्वव्यापीकरण की व्यापक नीति बनी। आरंभिक वर्षों में भारत के निर्यात व्यापार में जूट, चाय, सूती वस्त्र, कृषि व उससे संबद्ध वस्तुओं की प्रधानता थी। आयात में विनिर्मित वस्तुओं का अधिक महत्व था। धीरे धीरे भारत के निर्यात में विनिर्मित वस्तुओं का महत्व बढ़ता रहा
तथा प्राथमिक वस्तुओं के माध्यम कब होता रहा। ठीक है, ये सभी पुराने आंकड़े। बात कर लेते हैं व्यापार संगठन, व्यापारिक संगठनों के बारे में। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, इसकी स्थापना हुई 27 दिसंबर 1945 को। वेटन बोर्ड सम्मेलन के निर्णय के आधार पर किया गया था इसका स्थापना। इसका कार्य 1 मार्च 1947 से शुरू हुआ। IMF का, इसमें मार्च 2010 के 10 ईस्वी में कुल 186 राष्ट्र सदस्य थे। नवीनतम सदस्य देशों की बात करें कोसोवो है, और अभी 2019 अभी 19 की बात करें 2019 की तो 189 देश हैं। इसका हेड क्वार्टर है, याद रखिए, वॉशिंगटन DC में IMF का। ठीक है, IMF का कार्य सदस्य राष्ट्रों के मध्य वित्तीय और आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देना है तथा विश्व व्यापार का संतुलन विस्तार करना है। फिर है IBRD अर्थात IBRD अर्थात पुनर्निर्माण एवं विकास के लिए अंतरराष्ट्रीय बैंक की स्थापना सन 1945 में हुई। मैं अभी बता दें 2019 की संख्या कितनी है इसमें मेंबर्स सदस्यों की, तो 189 है, 1989 189। ठीक है, IBRD को ही अन्य संस्थाओं के साथ मिलकर विश्व बैंक वर्ल्ड बैंक के नाम से पुकारा जाता है। इन संस्थाओं में अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम, अंतरराष्ट्रीय विकास संघ तथा बहुपक्षीय विनियोग गारंटी अभिकरण है। इसका उद्देश्य विश्व युद्ध से जर्जर हुई अर्थव्यवस्था का प्रारंभिक पुनर्निर्माण तथा अल्प विकसित देशों के विकास में योगदान देना है। इस समय यह सदस्य देशों में पूंजी निवेश में सहायता तथा अंतरराष्ट्रीय व्यापार के दीर्घकालीन संतुलन विकास को प्रोत्साहित करने में लगा। गेट फिशुल्क और व्यापार पर सामान्य समझौता 30 अक्टूबर 1947 को हुआ तथा 1 जनवरी 1948 से लागू हुआ। गेट के मूल सिद्धांत थे समान फिशुल्क की नीति, परिणाम स्वरूप प्रतिबंध को हटाना तथा व्यापारिक वाद विवाद को का लोकतांत्रिक तरीके से निपटारा करना। 12 दिसंबर 1995 को गेट का अस्तित्व समाप्त कर दिया गया और 1 जनवरी 1995 को WTO अर्थात विश्व व्यापार संगठन ने ले लिया इसका, गेट का स्थान ले लिया WTO ने, ठीक है, विश्व व्यापार संगठन ने। WTO का मुख्यालय जिनेवा में स्विट्जरलैंड, और याद रखिए इसमें 2019 की बात करूं तो इसमें कितने सदस्य हैं, 164 मेंबर हैं 2019 में करेंट में। ठीक है, भारत भी इसका सदस्य है। मंत्री स्तरीय सम्मेलन WTO की सर्वोच्च संस्था है, सभी सदस्य देशों के मंत्री इसके सदस्य हैं। इस संस्था की प्रत्येक 2 वर्ष में कम से कम एक बैठक अवश्य होगी। आयात निर्यात के लिए वित्त व्यवस्था हेतु भारत में शिखर संस्था निर्यात आयात बैंक की स्थापना, इसकी स्थापना 1 जनवरी 1982 को की गई। अब बात कर लेते हैं महत्वपूर्ण सब आर्थिक शब्दावलियों के बारे में। ठीक है, राष्ट्रीय आय इनकम, नेशनल इनकम, यह किसी अवधि विशेष में देश की सीमा के अंदर उत्पन्न समस्त वस्तुओं तथा सेवाओं का मौद्रिक मूल्य की वह मात्रा है जो 2 बार गिने बिना मापी जाती है। साधारण कीमत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद को राष्ट्रीय आय कहा जाता है। इसे निम्न सूत्र से परिकल्पित कलित किया जा सकता है, राष्ट्रीय आय, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, NNP फैक्टर, बाजार मूल्य पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद माइनस अप्रत्यक्ष कर प्लस सब्सिडी बराबर बाजार मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद GDP प्लस शुद्ध विदेशी आय माइनस मूल्यह्रास
माइनस अप्रत्यक्ष कर प्लस सब्सिडी। सकल घरेलू उत्पाद की बात करें जीडीपी की, तो एक देश की सीमा के अंदर किसी भी दी हुई समय अवधि प्रायः एक वर्ष में उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं का कुल बाजार या मौद्रिक मूल्य उस देश का सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। फिर है सकल राष्ट्रीय उत्पाद एनपीपी, एनजीएनपी, इसका प्रयोग भी राष्ट्रीय आय लेखांकन में किया जाता है। सकल घरेलू उत्पाद में से यदि वह आय घटा दी जाए जो सृजित तो देश में हुई है किंतु विदेशियों को प्राप्त है, तथा देश को प्राप्त होने वाली किंतु विदेशों में अर्जित आय जोड़ दी जाए तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद प्राप्त हो जाता है। शुद्ध राष्ट्रीय आय की बात करें तो नेट नेशनल प्रोडक्ट सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से मूल्यह्रास की राशि घटा देने के उपरांत शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद ज्ञात किया जा सकता है। गरीबी की बात करें पॉवर्टी सामान्यतः न्यूनतम सामाजिक जीवन स्तर से नीचे की दशा है। योजना आयोग के द्वारा गठित टास्क फोर्स ऑफ मिनिमम नीड्स एंड इफेक्टिव कंजम्पशन डिमांड रिपोर्ट के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी तथा शहरी क्षेत्रों में 2100 कैलोरी का उपयोग प्रति व्यक्ति से कम का उपयोग स्तर की स्थिति गरीबी कही जाती है। यही बात कर लेते हैं हम लोग महत्वपूर्ण समितियों के बारे में। स्वामीनाथन समिति जनसंख्या नीति से संबंधित थी। स्वामीनाथन समिति किससे संबंधित थी? जनसंख्या नीति से। जानकी रमन समिति, तो याद रखिए प्रतिभूति घोटाला से संबंधित थे। दांतवाला समिति ये बेरोजगारी के अनुमान से संबंधित थी। रेखी समिति ये अप्रत्यक्ष कर से संबंधित थी। सरकारी समिति का संबंध है केंद्र राज्य संबंध से। गोस्वामी समिति औद्योगिक रोगता से संबंधित है। महाल नौवे समिति राष्ट्रीय आय से संबंधित है। रंगराजन का संबंध समिति का संबंध है भुगतान संतुलन। राजा चेलिया समिति कर सुधार। मल्होत्रा समिति बीमा क्षेत्र में सुधार। खुसरो समिति कृषि साख। गोईपोरिया समिति बैंक सेवा सुधार। भूरेलाल समिति मोटर वाहन करों में वृद्धि। नरसिम्हम समिति वित्तीय बैंकिंग सुधार। भंडारी समिति क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की पुनर्संरचना से संबंधित। सच्चा समिति मुसलमानों की सामाजिक आर्थिक व शैक्षणिक स्थिति का अध्ययन से संबंधित। सुरेश तेंदुलकर समिति गरीबी से संबंधित। एस तारापुर समिति रुपए की पूंजी खाते पर परिवर्तनीयता से संबंधित। हामिद हुसैन समिति लघु उद्योग। डॉक्टर कीर्ति एस पारिक समिति पेट्रोलियम उत्पादों की मूल प्रणाली पर सुझाव से संबंधित। बी एस व्यास समिति कृषि एवं ग्रामीण साख विस्तार से संबंधित। महाजन समिति चीनी उद्योग से संबंधित। अगला शब्द है मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिक्स्ड इकोनॉमी। ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें निजी तथा सरकारी दोनों क्षेत्रों का सह अस्तित्व। तरह बूम अर्थव्यवस्था में बूम की स्थिति उस समय कही जाती है जब आर्थिक क्रियाओं का तेजी से विस्तार होता है। यह मंदी अथवा रिसेशन की विपरीत स्थिति है। मांग में वृद्धि के परिणाम स्वरूप किसी उद्योग विशेष में भी बूम की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। बजट किसी संस्था या सरकार के एक वर्ष के अनुमानित आय का लेखा जोखा बजट कहलाता है। सरकार का बजट अब केवल आय व्यय का वितरण मात्र ही नहीं रहा होता, अपितु यह सरकार के क्रियाकलापों एवं नीतियों का वितरण भी है। यह आधुनिक काल में सामाजिक आर्थिक परिवर्तन का साधन भी बन गया है। बफर स्टॉक आपात स्थिति में किसी वस्तु की कमी को पूरा करने के लिए वस्तु का स्टॉक तैयार करना बफर स्टॉक कहलाता है। तेजड़िया और मंदड़िया यह स्टॉक्स एक्सचेंज के शब्द हैं। जो व्यक्ति स्टॉक की कीमतें बढ़ाना चाहता है तेजड़िया कहलाता है।
जो व्यक्ति स्टॉक की कीमतें गिराना की आशा करके किसी वस्तु को भविष्य में देने का वायदा करके बेचता है वह मंदड़िया कहलाता है। क्रेता बाजार, जब किसी वस्तु की मांग कम तथा पूर्ति अधिक होती है तो विक्रेता की तुलना में क्रेता बेहतर स्थिति में होता है, ऐसे बाजार को क्रेता बाजार कहते हैं। ब्रिज लोन, कंपनियां प्राय अपनी पूंजी का विस्तार करने के लिए नए शेयर तथा डिबेंचर जारी करती रहती है। कंपनी के ऊपर शेयर जारी करके पूंजी जुटाने में 3 माह से भी अधिक समय लगता है। इस समय अवधि में अपना काम जारी रखने के लिए लिए कंपनियां बैंकों से अंतरिम अवधि के लिए ऋण प्राप्त कर लेती हैं। इस प्रकार के ऋणों को ब्रिज लोन कहते हैं। फ्लोटिंग ऑफ करेंसी, किसी मुद्रा की विनिमय दर को स्वतंत्र छोड़ देना ताकि मांग और पूर्ति की दशाओं के आधार पर वह अपना नया मूल्य स्वयं तय करे सके। अवमूलन, यदि किसी मुद्रा का विनिमय मूल्य अन्य मुद्राओं की तुलना में जानबूझकर कम किया कर दिया जाता है तो उसे उस मुद्रा का अवमूल्यन कहते हैं। यह अवमूल्यन परिस्थितियों के अनुसार सरकार स्वयं करती है। विमुद्रीकरण, जब काला धन बढ़ जाता है और अर्थव्यवस्था के लिए खतरा बढ़ जाता है तो इसे दूर करने के लिए विमुद्रीकरण की विधि अपनाई जाती है। इसके अंतर्गत सरकार पुरानी मुद्रा को समाप्त कर देती है और नई मुद्रा चालू कर देती है। जिसके पास काला धन होता है वह उसके बदले में नई मुद्रा लेने का साहस नहीं जुटा पाते और काला धन स्वयं ही नष्ट हो जाता है। क्रय मुद्रा संकुचन, जब बाजार में मुद्रा की कमी के कारण कीमतें गिर जाती है, उत्पादन व्यापार गिर जाता है तो बेरोजगारी बढ़ती है, वह अवस्था मुद्रा संकुचन कहलाती है। हीनार्थ प्रबंधन, जब सरकार का बजट घाटे का होता है अर्थात आय कम होती है और व्यय अधिक होता है और व्यय के अधिक को केंद्रीय बैंक से ऋण लेकर अथवा अतिरिक्त पत्र मुद्रा निर्गमित कर पूरा किया जाता है तो यह व्यवस्था घाटे की वित्त व्यवस्था अथवा हीनार्थ प्रबंधन कहलाती है। सीमित मात्रा में ही इसे उचित माना जाता है। हीनार्थ प्रबंधन को स्थायी नीति बना लेने के परिणाम अच्छे नहीं होते। ए स्टेट ड्यूटी, किसी व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात उसकी संपत्ति के हस्तांतरण के समय जो कर उस संपत्ति पर लगाया जाता है उसे ए स्टेट ड्यूटी कहते हैं। फ्रेश स्वर्ण मान, जब किसी देश की प्रधान मुद्रा स्वर्ण में परिवर्तनशील होती है अथवा मुद्रा का मूल सोने में मापा जाता है तो इस मुद्रा व्यवस्था को स्वर्ण मान कहते हैं। किसी देश में स्वर्ण मान नहीं है, मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति यह मुद्रा प्रसार का मुद्रा स्फीति वह अवस्था है जिसमें मुद्रा का मूल्य गिर जाता है और कीमतें बढ़ जाती हैं। आर्थिक दृष्टि से सीमित एवं नियंत्रित मुख्य मुद्रास्फीति अल्प विकसित अर्थव्यवस्था हेतु लाभदायक होती है क्योंकि इससे उत्पादन में वृद्धि को प्रोत्साहन मिलता है, किंतु एक सीमा से अधिक मुद्रास्फीति हानिकारक होती है। मुद्रास्फीति को अस्थायी तौर पर नियंत्रित करने के लिए मुद्रा आपूर्ति कमी का प्रयोग किया जा सकता है। फिर है रिसेशन, रिसेशन से तात्पर्य मंदी की अवस्था से, जब वस्तुओं की पूर्ति की तुलना में मांग कम हो तो रिसेशन की स्थिति उत्पन्न होती है। ऐसी स्थिति में धनाने के कारण लोगों की क्रय कम हो जाती है और उत्पादित वस्तुएं अनाधिक रह जाती हैं। इससे उद्योग को बंद करने की प्रक्रिया प्रारंभ होती है, बेरोजगारी बढ़ जाती है। ठीक है, प्राइमरी गोल्ड, 24 कैरेट के शुद्ध सोने को प्राइमरी गोल्ड कहते हैं। स्टैगफ्लेशन, यह अर्थव्यवस्था की ऐसी स्थिति है जिसमें मुद्रा स्फीति के साथ साथ मंदी की स्थिति होती है। टैरिफ, किसी देश द्वारा आयातों पर लगाए गए कर को टैरिफ कहा जाता है। मुद्रा स्फीति अथवा विस्फीति, मुद्रा स्फीति पर नियंत्रण लाने के हेतु जो प्रयास किए जाते हैं उनके परिणाम स्वरूप मुद्रा स्फीति को की दर घटने लगती है।
कीमतों में गिरावट आती है तथा रोजगार पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। यह स्थिति मुद्रा अपस्फीति अथवा विस्फीति की स्थिति कहलाती है। इस स्थिति में मूल्य स्तर गिरता है तथापि यह सामान्य मूल्य से ऊपर ही रहता है। फिर एक्टिव शेयर, वैसे शेयर जिनका क्रय विक्रय नियमित रूप से प्रतिदिन शेयर बाजार में होता है एक्टिव शेयर कहलाते हैं। राइट शेयर, किसी कंपनी द्वारा जारी नए शेयरों को क्रय करने का पहला अधिकार वर्तमान शेयर होल्डर का होता है। वर्तमान शेयर होल्डर के इस अधिकार को पूर्ण क्रय अधिकार कहा जाता है तथा इस अधिकार के कारण उनको जो शेयर प्राप्त होता है उसे राइट शेयर कहा जाता है। बोनस शेयर, जब किसी कंपनी द्वारा अपने अर्जित लाभों में से रखे नए रिजर्व को शेयर के रूप में वर्तमान शेयर होल्डर्स की मत अनुपातिक रूप से बांट दिया जाता है तो इसे बोनस शेयर कहा जाता है। पूर्वाधिकार शेयर, वैसे शेयरों को पूर्वाधिकार शेयर कहा जाता है जिनका सामान्यतः दो पूर्वाधिकार प्राप्त होता है। कंपनी द्वारा सर्वप्रथम इसका इनको लाभांश का भुगतान किया जाता है तथा लाभांश की दर निश्चित होती है। यदि भविष्य में कंपनी का समापन होता है तो लेनदारों का भुगतान करने के बाद कंपनी की संपत्तियों से वसूल की गई राशि में से इस श्रेणी के शेयर होल्डर्स को अपनी पूंजी अन्य शेयर होल्डर्स की तुलना में पहले प्राप्त करने का अधिकार होता है। फिर कंटेरियन शेयर, इस श्रेणी में उन शेयरों को सम्मिलित किया जाता है जो बाजार के रूप से अलग दिशा में चलते हैं अर्थात बाजार में शेयरों के भाव में वृद्धि हो रही है तो इन शेयरों के भाव कम हो जाते हैं और यदि भाव का रूप गिरावट का है तो इन शेयरों का मूल्य बढ़ जाता है। फिर डिफेंसिव शेयर, जिन शेयरों के मूल्य में भारी उतार चढ़ाव नहीं होते उनको डिफेंसिव शेयर कहा जाता है। इन शेयरों पर वर्तमान लाभ तथा पूंजीगत लाभ सामान्य दर से बढ़ता है। अगला है एडी इंडेक्स, एडवांस डिक्लाइन इंडेक्स। यस, इस सूचकांक का प्रयोग शेयर बाजार की तेजी या मंदी के रूप का पता लगाने के लिए किया जाता है। इसकी गणना के लिए एक दिन में जिन शेयरों के मूल्य बढ़ते हैं उनकी संख्या में उन शेयरों को भाग दिया जाता है जिनके मूल्य उस दिन गिरे होते हैं। यदि इंडेक्स एक से अधिक होता है तो बाजार में तेजी का रूप होता है और इंडेक्स एक से कम होता है तो बाजार में मंदी का रूप होता है। ब्लू आउट, जब कोई कंपनी अपना नया इशू जारी करती है और उसका सब्सक्रिप्शन पहले ही दिन पूरा होकर बंद हो जाता है तो उसे ब्लू आउट या आउट ऑफ विडो कहा जाता है। फिर इनसाइडर ट्रेडिंग, यह एक अवैध कार्य है जब उन व्यक्तियों द्वारा भारी मात्रा में शेयरों का क्रय विक्रय करके लाभ कमाया जाता है जिनके पास कंपनियों की गुप्त सूचनाएं रहती हैं। तो इस प्रकार के शेयरों के क्रय विक्रय को इनसाइडर ट्रेडिंग कहते हैं। कैश ट्रेडिंग में के अंतर्गत शेयर सर्टिफिकेट तथा नगद धन राशि का लेन देन अंगली समायोजन तिथि से पहले ही हो जाना चाहिए। जब दलालों के सभी कैश ट्रेडिंग के लेन देन का दिनों का समायोजन हो जाता है तो इसका समायोजन तिथि कहा जाती है परंतु यह 14 दिन से अधिक नहीं हो सकती। करप्ट ट्रेडिंग, जब शेयर बाजार की निर्धारित ट्रेडिंग समय के बाद पहले से अलग से सौदे किए जाते हैं तो इनका कर्व ट्रेडिंग कहा जाता है। इनको यद्यपि सौदे दलालों के द्वारा किए जाते हैं परंतु इनका वैधानिक नहीं माना जाता है। इस प्रकार के किए गए सौदों का विवरण शेयर बाजार में उपलब्ध नहीं रहता, वर्तमान में सेबी द्वारा प्रतिबंधित है। स्टैक उन व्यक्तियों को कहते हैं जो नई कंपनियों के इशुओं में भारी मात्रा में शेयरों के आवेदन पत्र प्रेरित करते हैं। इनको यह आशा रहती है कि जब कुछ व्यक्तियों को शेयर नहीं मिलेंगे तो वे इन शेयरों को बड़े मूल्य पर खरीदने को तैयार हो जाएंगे। यह व्यक्ति केवल आवेदन पत्र की राशि प्रेषित करते तथा शेयर आवंटित होती ही पहले देते। फिर बदला, जब कोई दलाल भविष्य के लिए सौदा करता है परंतु भविष्य की तिथि पर सौदा पूरा न करके आगे लिख के लिए खिसकाता रहता है
तो कार के लिए उसे जो चार्ज देना पड़ता है उसे बदला कहा जाता है। यदि यह कार तेजड़िया द्वारा किया जाता है तो इसे सीधा बदला, मंदड़िया द्वारा किया जाता है तो इसे अंधा बदला कहा जाता है। फिर बोले टायर शेयर, जिन शेयरों की कीमत में बहुत अधिक परिवर्तन होते हैं उन्हें वोलेटाइल शेयर कहा जाता है। इन शेयरों को कीमत में परिवर्तन को इस प्रकार नापा जाता है, परिवर्तनशीलता अधिकतम मूल न्यूनतम मूल अपॉन न्यूनतम मूल। फिर अगला है फ्लोटिंग स्टॉक, किसी कंपनी की चुकता पूंजी का वह भाग फ्लोटिंग स्टॉक कहलाता है जो शेयर बाजार में क्रय विक्रय के लिए उपलब्ध रहता है। शेयर सर्टिफिकेट, यह एक ऐसा प्रमाण पत्र है जो कंपनी के मुहर के अधीन शेयर धारक के नाम जारी किया जाता है तथा इसमें उन शेयरों के नंबर लिए रहते हैं जिनके लिए यह जारी किया जाता है। उसमें शेयर भुगतान की गई धनराशि का विवरण होता है। वियर डिवेंचर, ऐसा डिवेंचर जिसका हस्तांतरण केवल सुपुर्दगी के द्वारा हो जाता है उनको डिवेंचर कहा जाता है। कंपनी के रजिस्टर में इनका कोई लेखा जोखा नहीं होता है। डिवेंचर के साथ लगे कूपन को प्रस्तुत करने का ब्याज तथा डिवेंचर को प्रस्तुत करने का मूलधन का भुगतान प्रस्तुतकर्ता को प्राप्त हो जाता है, जो खाने तथा चोरी हो जाने पर इस प्रकार के डिवेंचर के पूर्ण जोखिम होते हैं। बंधक डिवेंचर, इस प्रकार के डिवेंचर कंपनी की संपत्ति पर व्यवहार रखते हैं अतः इनका भुगतान सुरक्षित होता है। बंधक दो प्रकार के होते हैं, एक चल प्रभाव दूसरा निश्चित प्रभाव। चल प्रभाव की स्थिति में किसी निश्चित संपत्ति पर प्रभाव नहीं होता, केवल कंपनी के समापन की स्थिति में इन डिवेंचरों को भुगतान में प्राथमिकता मिल जाती है। और निश्चित प्रभाव की स्थिति में डिवेंचरों का कंपनी की किसी निश्चित संपत्ति में प्रभाव होता है। ऐसी कंपनी को कंपनी ना तो बेच सकती है और ना ही हस्तांतरित कर सकती है। फिर परिवर्तनशील डिवेंचर, यह बेरेट पत्र होते हैं जिनके धारकों को कंपनी यह विकल्प देती है कि वे किसी निश्चित अवधि के अंदर अपने रेड पत्र को कंपनी के शेयर में बदलवा सकते हैं। परिवर्तन की शर्तें सामान्य निर्गमन के समय की तय कर दी जाती है, परंतु ये शर्तें कंपनी में अलग अलग हो सकती हैं। हंगअप, जब किसी शेयर का भाव किसी निवेशक द्वारा क्रय किए गए भाव में से काफी नीचे चला जाता है तब ऐसी स्थिति में अधिक घाटा उठाकर शेयर बेचने के बदले यह निवेशक भविष्य में उसके भाव बढ़ने की आशा में अपने शेयरों को रखे रहे, तो ऐसी स्थिति को हंगअप कहते हैं। फिर स्नोबॉलिंग, जब किसी शेयर के मूल्य एक निश्चित सीमा में पहुंच जाते हैं तब क्रय विक्रय के अनेक स्टॉप ऑर्डर होने लगते हैं। इन ऑर्डर के कारण पुनः बाजार में दबाव बनता है तथा पुनः ऑर्डर मिलने लगते हैं, तो इस स्थिति को स्नोबॉलिंग बॉलिंग कहा जाता है। ग्रे मार्केट, यह अनाधिकृत बाजार होता है जहां नई तथा अभी शेयर बाजार में सूचीबद्ध ना हुई प्रतिभूतियों का प्रीमियम पर लेन देन होता है। ये सौदे भी अनाधिकृत होते हैं। इन सौदों का शेयर बाजार का संरक्षण नहीं होता है। ट्रेडिंग लॉट, शेयरों की वह न्यूनतम संख्या है जहां गुणा को ट्रेडिंग लॉट कहा जाता है, जिसमें शेयर बाजारों में एक बार में बेचा या विक्रय किया जा सकता है। सामान्यतः 10 रुपये मूल्य वाले शेयर की न्यूनतम संख्या 50 से 100 निर्धारित की जाती है, जबकि 100 रुपये मूल्य वाले शेयरों की संख्या 5 या 10 निर्धारित की जाती है। फिर शॉर्ट सेलिंग, जब किसी दलाल द्वारा इतने शेयरों की बिक्री की जाती है जितने उसके पास शेयर नहीं होते तो इसे शॉर्ट सेलिंग कहा जाता है। अनुबंध पूरा करने के लिए दलाल द्वारा नीलामी में शेयर क्रय किए जाते हैं। फिर पी अनुपात, किसी कंपनी के प्रति शेयर के बाजार भाव में प्रति शेयर आर में भाग देकर पी अनुपात ज्ञात किया जा सकता है। बात कर लेते हैं नई आर्थिक सुधार नीति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली। निजीकरण, सार्वजनिक क्षेत्र में पूंजी या प्रबंधन या दोनों में निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाना अथवा उन्हें निजी क्षेत्र को सौंप देना निजीकरण कहलाता है। उदारीकरण, उदारीकरण सरकारी नियंत्रण को शिथिल या समाप्त करने की क्रियाविधि है। इसके अंतर्गत निजी
करण भी शामिल है। फिर विश्वव्यापीकरण, किसी अर्थव्यवस्था को विश्व अर्थव्यवस्था से जोड़ने की क्रिया ही विश्वव्यापीकरण है। ऐसा करने से उक्त क्षेत्र में निजी कार्य कुशलता तथा बाहरी तकनीकी ज्ञान प्राप्त होते। फिर विनिवेश, सरकारी क्षेत्रों में सरकारी हिस्सेदारी को कम करना ही विनिवेश कहलाती है। ठीक है, और बात करते हैं विविध तथ्यों के बारे में। विश्व बैंक के ताजा आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2008 में सकल घरेलू उत्पाद की दृष्टि से भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व की 12वीं बड़ी अर्थव्यवस्था हो गई। पहले स्थान पर अमेरिका, दूसरे पर जापान थी। लेकिन अब बात करें 2019 के आंकड़ों के अनुसार, तो 2019 के आंकड़ों के अनुसार बात करें तो भारत की अर्थव्यवस्था 7वें नंबर पे 2.7 ट्रिलियन डॉलर। आपको बता दें पहले नंबर पर यूएसए है, दूसरे पर चाइना, तीसरे पर जापान, चौथे पर जर्मनी, पांचवें पर यूके, छठवें पर फ्रांस, इंडिया है 7वें नंबर पर, याद रखना। ठीक है, विश्व बैंक की हाल ही की रिपोर्ट के अनुसार क्रय शक्ति के आधार पर भारत की अर्थव्यवस्था विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। लेकिन 2019 की बात करें तो तीसरे स्थान पर है, याद रखना। क्रय शक्ति के आधार पर भारत की अर्थव्यवस्था तीसरे स्थान पर है, पहले पर चाइना, दूसरे पर अमेरिका और तीसरे पर भारत, याद रखना। और जीडीपी के आधार पर 7वें नंबर पर है भारत की, और क्रय शक्ति के आधार पर तीसरे नंबर पर। चाय के उत्पादन में भारत दूसरे नंबर पर है, याद रखना। विश्व में प्रथम स्थान पर है चीन, भारत दूसरे नंबर पर है। ठीक है, 2019 की बात कर रहा हूँ। भारत में सर्वाधिक दूध उत्पादन होता है उत्तर प्रदेश में। भारत में तंबाकू उत्पादन करने वाला विश्व का तीसरा बड़ा राष्ट्र है। सबसे बड़ा उत्पादक व उपभोक्ता दोनों चीन है। दाल के उत्पादन में भारत विश्व में पहला स्थान है, राज्यों में महाराष्ट्र। अमेरिका के साथ भारत का व्यापार अधिकांश भारत के पक्ष में था। 1944 में मुंबई के 8 उद्योगपतियों द्वारा विस्तृत योजना को बॉम्बे योजना कहते हैं, याद रखना। 1944 में आई बॉम्बे योजना। 1950 में जयप्रकाश नारायण द्वारा सर्वोदय योजना प्रस्तुत की गई। चेलिया समिति कर बंटवारे से संबंधित थी। केंद्र को सर्वाधिक निवल राजस्व की प्राप्ति सीमा शुल्क से होती थी पहले, अब निगम से होती है। भारत में पहला जल विद्युत शक्ति गृह 1897 में दार्जिलिंग में प्रारंभ हुआ। भारत में मनी ऑर्डर प्रणाली की शुरुआत सन 1880 में हुई। भारत में पहला डाक टिकट 1852 में प्रारंभ हुआ। कृषि उद्योग का दर्जा देने वाला प्रथम राज्य महाराष्ट्र था 1997। विश्व बैंक के अनुसार भारत की प्रति व्यक्ति आय, ये पुराने हैं, इसका कोई पर्सन का सबसे ज्यादा उत्पादक भारत में होता है। विश्व बिग पशु आर राणन ने दिया। उपभोक्ता की बचत सिद्धांत अल्फिन मार्शल ने दिया। केंद्रीय एक मार्ग प्रयोगशाला नागपुर में है। देश का प्रथम सूती उद्योग 1818 में कोलकाता, दूसरा कोची की नानाबाई 1853 में बंबई में स्थापित किया। विश्व का सर्वाधिक सहकारी संस्था है भारत में। भारत में असंगठित क्षेत्र संगठित क्षेत्र की बजाय अधिक रोजगार का सृजन कर रहे हैं। भारत में कुल तिलहन उत्पादन में मूंगफली का हिस्सा सर्वाधिक है। भारत में सर्वाधिक नगरीकरण गुजरात राज्य में, गोवा में। भारत में नगरीकरण सर्वाधिक गोवा राज्य में। एशियाई विकास बैंक की स्थापना 1966 में हुई, मुख्यालय मनीला में। मसालों के विश्व व्यापार में भारत का हिस्सा 40% था। राष्ट्रीय आय की सामाजिक लेखांकन गणना विधि का विकास रिचर्ड स्टोन ने किया था। जब किसी वस्तु के वास्तविक मूल के बजाय मौद्रिक मूल से प्रतिक्रिया व्यक्त की जाती है तो उसे मुद्रा द्रव्य कहा जाता है। केंद्रीय बैंक द्वारा अन्य व्यवसायिक बैंकों से ली जाने वाली ब्याज दर को बैंक दर कहा जाता है। अंतरराष्ट्रीय व्यापार में अनुकूल संतुलन की स्थिति वाली मुद्रा जिसको प्राप्त करना कठिन होता है उसे कठोर मुद्रा कहा जाता है। साख मुद्रा को ऐच्छिक मुद्रा भी कहा जाता है। भारत में पाई जाने वाली बेरोजगारी को संरचनात्मक बेरोजगारी कहते हैं।
अर्थव्यवस्था की कीमतों का औसत स्तर सामान्य कीमत स्तर कहलाता है। आय में बदलाव के फलस्वरूप उपयोग उपभोग बदलाव उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति कहलाती है। विदेशी मुद्रा के अनुसार देशी मुद्रा की कीमत विदेशी विनिमय की दर कहलाती है। किसी देश का आयात और निर्यात से संबंधित भुगतान शेष व्यापार शेष कहलाता है। कराधान जनता से ऋण तथा घाटे की वित्त व्यवस्था राजकोषीय नीति के तीन प्रमुख साधन हैं। प्रगतिशील कर व्यवस्था बढ़ने के साथ करों की दर में वृद्धि होती है, जबकि प्रतिगामी कर व्यवस्था में आय बढ़ने के साथ कर की दरों में कमी होती है। रोजगार गारंटी योजना जो अब NCMP प्रमुख घटक है, सर्वप्रथम 1972-73 में महाराष्ट्र में सरकार ने शुरू की थी। इसमें संविधान में दिए गए काम के अधिकार रोजगार को स्वीकार किया गया। श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से संबंधित थी और पीली क्रांति तेल व तिलहन उत्पादन से संबंधित थी। श्वेत क्रांति को और तेज गति देने के लिए ऑपरेशन फ्लड आरंभ किया गया। इसके सूत्रधार थे डॉक्टर वर्गीज कुरियन। इस कार्यक्रम का विश्व का सबसे बड़ा समन्वय डेयरी विकास कार्यक्रम जिसे 1960 में राष्ट्रीय विकास बोर्ड ने प्रारंभ किया। विश्व में दूध उत्पादन में भारत का स्थान पहला और संयुक्त राज्य अमेरिका का दूसरा था। ऑपरेशन फ्लड के परिणाम स्वरूप देश में नीली क्रांति का संबंध मत्स्य उत्पादन से संबंधित था। ठीक है, ऐसी वित्त व्यवस्था जिसमें सरकारी व्यय आय से अधिक हो तथा शेष घाटे को पूरा करने के लिए सामान्यतः मुद्रा छापे जाते हैं उसे घाटे की वित्त व्यवस्था कहलाती है। ठीक है, भारत में पर्यटन विकास निगम की स्थापना एक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के रूप में 1 अक्टूबर 1966 में हुई। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में उपनिवेश का दौर 1951-52 से प्रारंभ हुआ। 91-92 से सार्वजनिक उपक्रमों में अपनिवेश से प्राप्त राजस्व के सुनिश्चित प्रयोग के लिए 1 अप्रैल 2005 को राष्ट्रीय निवेश निधि की स्थापना की गई। भारत में डीजल इंजन बनाने का पहला कारखाना 1932 में सतारण महाराष्ट्र में खोला गया। भारत में मोटर वाहनों का सर्वाधिक निर्यात जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह से किया जाता है। अमेरिकी पत्रिका टाइम ने इन्फोसिस टेक्नोलॉजी के नारायण मूर्ति का नाम विश्व के शीर्ष 25 व्यवसायिकों में शामिल किया। वर्ष 1981 में नारायण मूर्ति द्वारा इन्फोसिस कंपनी की स्थापना की गई। अमेरिकी स्टॉक एक्सचेंज नास्डाक में सूचीबद्ध होने वाली पहली कंपनी थी ये। वेटेन प्राचीन निवेश बैंक बेरिक्स फरवरी 1995 में घोटाले के कारण दिवालिया हो गया था। भारत में अधिक शाखाएं विदेशी बैंक की है। जेड ग्लैंड लीज बैंक राज्य समिति ने कृषि जोतों पर कर लगाने की संस्तुति की थी। नाबार्ड की स्थापना 6वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि में की गई। 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007-2012 में लागू हुई थी, 12 के लिए 2007-12। भारत में गरीबी हटाओ का नारा 5वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत दिया गया था। खादी एवं ग्रामीण उद्योग आयोग की स्थापना 2री पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत हुई थी। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान हैदराबाद में स्थित है। सुपर 301 अमेरिकी व्यापार कानून की धारा है जो उन्हें अपने आयात पर उच्च सीमा शुल्क लगाने की शक्ति देता है। केरल राज्य के बाहर पहला पूर्ण साक्षर जिला वर्धमान पश्चिम बंगाल है। केलकर समिति की सिफारिश को ध्यान में रखते हुए अप्रैल 1987 में कोई नया क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक स्थापित नहीं किया गया। प्रोफेसर A.M. खुसरो की अध्यक्षता में 1989 में गठित कृषि साख समीक्षा समिति ने
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को उनके विवर्तक बैंकों में विलय करने की संस्तुति की थी। भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक की स्थापना 1985 में की गई। दोपहर का भोजन योजना 1995 में शुरू की गई। भारतीय लघु विकास बैंक का मुख्यालय लखनऊ में है, सिडबी का, याद रखना। भारत में कर्मचारी राज्य बीमा योजना 1952 में प्रारंभ की गई। भारतीय बैंकों की विदेशियों में सर्वाधिक संख्या यूके में है। गोल्डन हैंड सेक स्कीम स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति किससे संबंधित थी? विश्व में खनिज तेल का सबसे बड़ा उत्पादक अमेरिका में होता था। 1934 भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम के अनुसार इसकी स्थापना हुई थी। विश्व बैंक की विश्व की सबसे बड़ी रिफाइनरी रेड रिफाइनरी लिमिटेड दक्षिण अफ्रीका में। भारत में पहली रिफाइनरी सिरपुर महाराष्ट्र में स्थापित की गई थी। बाड़मेर में तेल के विशाल भंडार पाए गए, राजस्थान में। ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम 2 फरवरी 2006 को प्रारंभ की गई। भारत में सेवा कर लगाने के लिए 88वां संविधान संशोधन किया गया। 1963 में केंद्रीय राजस्व बोर्ड का विभाजन करके केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड तथा केंद्रीय प्रत्यक्ष बोर्ड का गठन किया गया। राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी को श्वेत पत्र कहा जाता है। आपको बता दें, जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स वस्तु एवं सेवा कर 1 जुलाई 2017 से लागू कर दिया गया। अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था है, ठीक है, याद रखिए। जीएसटी कब से लागू हुआ? 1 जुलाई 2017 से अप्रत्यक्ष करों की जगह है, ठीक है। तो चलिए, ये थी हमारी अर्थव्यवस्था, ठीक है।